गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी स्टार्ट आवर हिंदू डिस्कशन ऑफ 24 जुलाई। कल टाइम बिल्कुल नहीं मिला, वो प्री पास में टाइम नहीं मिलता है रिकॉर्ड करने का, पर मैंने कोशिश की। मैं उठ गया तो सुबह सुबह मैं इसे भी रिकॉर्ड कर दूँ और आज का भी जल्दी से रिकॉर्ड कर दूँगा, क्योंकि मुझे भी साथ में आपके साथ में पढ़ता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ, उसके जो बेसिक पार्ट है वो भी आपके साथ ही मैं पढ़ता हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट हम स्टार्ट करते हैं अपना हिंदू डिस्कशन। जो फ्रंट पेपर पर न्यूज़ रिलेटेड टू रेन, मैंने आपको परसों के न्यूज़पेपर में रिकॉर्डिंग बताया होगा, IMD के बारे में बताया होगा, उससे रिलेटेड जो भी जो वो अलर्ट देता है IMD, उसके बारे में बताया होगा। फिर मैंने बताया होगा कि ऑरेंज अलर्ट दिया है उसने, महाराष्ट्र में रेन हो सकती है, तो उसी का परिणाम लिखा गया कि 60 लोगों की डेथ हो गई। जो कोकण एरिया है अपना, रायगढ़ का, अपना रत्नागिरी का, जो शुगर बेल्ट बोला जाता है आपको, कोल्हापुर, ये वो सतारा, ये वो सांगरी, उसमें ये सब देखा गया। ये सब क्यों हो रहा है, उसके कंडीशन बताया गया कि जो इंस्टेंट साइक्लोन्स आ रहे हैं, साइक्लोन्स कहाँ पर आ रहे हैं, जो साइक्लोन्स आ रहे हैं आपके अरेबियन सी में, वो क्यों आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिकल चेंज भी बोल सकते हो, बहुत सारे इफेक्ट हैं उसके पीछे। तो उस वजह से साइक्लोन की जो गति है वो गति साइक्लोन की बढ़ गई है, उसकी वजह से बारिश की गति में ऊपर नीचे देखा जा रहा है। फिर आपने बहुत सारी कंडीशन देखेंगे, बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेटिकल चेंज एक्सेसिव हीट ऑन और भी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ओशन, जो टेम्परेचर ओशन का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से, तो ये कुछ रीजंस हैं। नेक्स्ट जो आती है, सुप्रीम कोर्ट बैन द सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है कि NGT ने जो बैन लगाया था फायर क्रैकर्स पर, उसको अपहोल्ड, मतलब किसने PIL लगाई होगी, जो फायर क्रैकर्स के जो वो वर्कर्स हैं, जो उसके व्यापारी हैं, जो उसके प्रोड्यूस करते हैं, उन्होंने PIL लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, तो अपहोल्ड किया है NGT के बैन को, तो ये देखने लायक है। फिर स्टार्ट हो गए ओलंपिक और पहला मेडल आ भी चुका है, हमारी वुमेन एम्पावरमेंट में आपके मणिपुर की लड़की हैं, वो पहला मेडल ला भी चुके हैं वेट लिफ्टिंग में, आप उनका प्लीज़ नाम कमेंट में बताना नाम क्या है। आपको याद रखना है कि ओपनिंग जो ओपन सेरेमनी होती है उसमें क्या होता है कि फ्लैग लेके जो लोग चलते हैं वो एथलीट होते हैं, उनका नाम याद रखना। इस बार कौन है, इस बार आपकी मैरी कॉम और हरमनप्रीत सिंह, ये सरदार जी हैं हरमनप्रीत सिंह, ये मैरी कॉम है। ये पूछा जाता है कभी स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम में कि कौन था, कि इसने जो फ्लैग बियर जो थे वो कौन कौन थे, तो दोनों को एक साथ, हर बार क्या होता था सिंगल को रखते थे, इस बार ये वुमेन इक्वलिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वलिटी बोल सकते हो आप, उस सब चीज़ को ध्यान रखते हुए दोनों को स्पेस दिया गया है, तो आपको ऐसे याद रखना है। फिर जो ओलंपिक है, ओलंपिक आपको पढ़ना है, ओलंपिक बाद हिस्ट्री पर जा सकते हो, मैंने एक दो बार पढ़ाई भी है पर आज रिपीट नहीं करूँगा, उसका मोटो पढ़ सकते हो, दो तीन बार बताया मोटो क्या है, तो अब चेंज किया गया बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से, कल ही बताया था शायद कल के न्यूज़पेपर में, और उसका मैस्कट क्या है ये भी मैंने आपको ग्रुप में बता रखा है ऑलरेडी, अब रिपीट नहीं करूँगा इन सब चीज़ों को। ये वन वर्ड जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछा जा सकता है। अगर ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है वीडियो के और यहाँ पे भी है UPSC, इसको सर्च करना जाके अपने टेलीग्राम बॉक्स में, सर्च बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो इसमें से जो बैन किया गया है चीज़ों को, NGT में जो सेल था वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, PIL चैलेंज NGT बैन सेल्स और यूज़ ऑफ फायर क्रैकर, तो उसको डिसमिस कर दिया, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हमारे, डिसमिस करा कुछ भी करा, इंपॉर्टेंट हमारे लिए NGT क्या होता है और जो क्रैकर्स हैं उसमें भी ग्रीन के क्रैकर्स क्या कॉन्सेप्ट है। अब थोड़ा सा मैं आपको और चीज़ बता दूं, राइट टू बिजनेस इज नॉट एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट नहीं है, राइट टू लाइफ से बड़ा नहीं है, जिंदगी पहले बाद में हर चीज़ है। फिर बाद में इन्होंने यही बोला है कि इन्होंने जो बिजनेसमैन थे उन्होंने अपील किया था कि राइट टू बिजनेस हमारा अधिकार है, पर इस चीज़ों पर रोक लगाई जा रही है, फायर क्रैकर्स बंद किए जा रहे हैं, तो एक तरह से हो रहा है हमारे साथ, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये आपका एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इट्स वायलेटेड द एयर क्वालिटी, और एयर क्वालिटी की चीज़ से रिलेटेड है वो आपके राइट टू लाइफ से रिलेटेड है। तो लास्ट में ये बोला है कि वी फील दैट आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन, आप जैसे दिवाली पे बैन किया गया, त्यौहार बैन किए गए, तो बोला गया कि इसमें जो आर्टिकल 25 बोलता है राइट टू रिलीजन इज सब्जेक्टेड टू आर्टिकल 21, वो सब्जेक्ट है, तो वो जिंदगी है तो सब कुछ है, तो आर्टिकल जो राइट टू लाइफ है सबसे बड़ा है, उसके अंदर सब चीज़ आते हैं। इफ़ ए पर्टिकुलर रिलीजन, कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस हो, कुछ भी हो, जो थ्रेटन करती है हेल्थ पे किसी की, प्रॉब्लम करती है लाइफ पे किसी की, इंसान की ज़िंदगी पे, कुछ भी हो, तो उसे उसमें से निकालना, अगर ऐसा कोई प्रैक्टिस है रिलीजन के अंदर या रिलीजियस थिंग के अंदर ऐसी प्रैक्टिस है, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया जाएगा, वो गलत चीज़ है जो राइट टू लाइफ पे ये चीज़ डालती है। फिर लास्ट में बोलता है टू बैलेंस रहना चाहिए टू राइट्स पे, नेमिंग द राइट ऑफ द पेटिशन अंडर द आर्टिकल 21, राइट टू द मैन्युफैक्चर ट्रेडर अंडर आर्टिकल 19(1), तो एक तरह से बैलेंस के लिए रहना चाहिए, और बैलेंस ये है कि राइट टू लाइफ सलामत है, सब चीज़ सलामत है, ये आप नहीं बोल सकते कि आर्टिकल जो और भी आर्टिकल्स हैं वो बड़े हैं उस चीज़ से। तो
ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं तो मैं इसमें दो चीज़ आपको बताने वाला हूँ, NGT बताने वाला हूँ और ग्रीन क्रैकर्स क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताने वाला हूँ। कौन ग्रीन क्रैकर्स बनाता है, कौन परमिशन देता है, क्या उसके अंदर होता है। तो ये हमारा फ्रंट पेपर है, ये PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना। आप डेली बेसिस पे PDF मॉर्निंग में ही रख देता हूँ, मॉर्निंग में इसको अपलोड कर देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। जो आता है पहले आता है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब ये ट्रिब्यूनल है, ठीक है, कोई एक्ट से बना है? हाँ जी, एक्ट से बना है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट आया था 2010 में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया, तो यह इसका मतलब सेट्रिटरी बॉडी है, ठीक है, अच्छी बात है सेट्रिटरी बॉडी है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड स्पेशलाइज फोरम फॉर इफेक्टिव स्पीडली जो भी केस होते हैं इन्वायरमेंटल से रिलेटेड, प्रोटेक्शन से, आपके कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई भी केस हो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उसको ये सुनती है। और ये अलग से फोरम क्यों बनाई गई है? देखो, एक तो सुप्रीम कोर्ट का बर्डन भी कम करना, छोटे छोटे केस लेके इसमें मत जाओ, ऐसी एक ट्रिब्यूनल हो जिसके अंदर केस की सुनवाई और स्पीडली वो ख़त्म की जाए सुनवाई, तो इसको देखते हुए इन्वायरमेंट केस को देखते हुए ये ट्रिब्यूनल बनाई गई थी, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसकी जो प्रिंसिपल बेंच है, जो मेन बेंच है, वो कहाँ बैठती है? वो नेशनल दिल्ली में, मतलब न्यू दिल्ली में बैठती है, जो कैपिटल है आपकी उसके अंदर बैठती है। कुछ प्रिंसिपल ब्रांच भी है, मतलब सॉरी, इसके रीजनल ब्रांच भी हैं, जैसे पुणे में है, भोपाल में है, चेन्नई में, कोलकाता में, ये आपको याद रखना है तो रख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। जो ईच ब्रांच है इस, ये उसमें क्या होता है कि स्पेसिफाइड ज्योग्राफी ज्यूरिडिक्शन होता है, जैसे ये आपका वेस्टर्न जोन वाली है, ये उसको अगर आपका कोई वायलेशन हुआ है कुछ चीज़ है तो आप उसमें जा सकते हो और नेशनल प्रिंसिपल बेंच पे भी आ सकते हो। फिर जो चेयरमैन होता है, NGT का, वो कोई रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हेडक्वार्टर में जो है दिल्ली में जो प्रिंसिपल बेंच है उसमें कौन बैठेगा? रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो उसके चेयरमैन होंगे। अदर जुडिशियल मेंबर भी हो सकते हैं, जो और मेंबर होंगे NGT के अंदर, वो अदर जुडिशियल मेंबर रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट वो बैठ सकते हैं। चलो, ये तो बात होगी प्रिंसिपल ब्रांच की। अब इसकी जो ये जो है इसकी मतलब कि जो रीजनल ब्रांच है उसमें कौन बैठता है? ईच बेंच ऑफ द NGT विद कॉम्प्रोमाइज एटलीस्ट वन जुडिशियल मेंबर एंड वन एक्सपर्ट मेंबर। चलो, ये इस बात होगी। एक्सपर्ट मेंबर शुड बी प्रोफेशनल क्वालिफाइड, मिनिमम ऑफ 15 ईयर एक्सपीरियंस हो उसके पास, किस चीज़ का एनवायरमेंट प्लेसेज, कोई फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट का उसके पास हो। तो क्वेश्चन उठता है कि फिर रीजनल ब्रांच में कौन बैठेगा? रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, वो उसके चेयरमैन हो सकते हैं। बस इतना याद रखो, आपसे ये चीज़ नहीं पूछेगा, कोई ये पॉलिटिकल टर्म नहीं है, बस आपको ये रखना है कि जो प्रिंसिपल ब्रांच है उसमें कौन बैठता है। उसके बाद आता है लीगल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द NGT, कुछ लीगल ज्यूरिडिक्शन है, किस किस एक्ट के अंदर अपनी ज्यूरिडिक्शन दे सकता है। तो देखो, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1974, वाटर एंड प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट सेस लगाना 1977, फॉरेस्ट एक्ट 1980, इसमें कंजर्वेशन वाला है, फॉरेस्ट राइट एक्ट नहीं है, कंजर्वेशन वाला है। एयर एक्ट हो गया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन 1986, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, क्योंकि कभी कभी ये होता है ना, इंश्योरेंस प्रोवाइड करना होता है पब्लिक लाइबिलिटी ये सब चीज़ों को, तो उसको देखते हो ये वाला है। ये बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, क्योंकि ऐसा एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट थोड़ी होगा यार, ऐसे सोचते हैं। तो गुड ऑप्शन टू कंफ्यूज, ये कंफ्यूज करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है, ये आपको याद रखना। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये भी इसके अंदर आता है। तो ऑलमोस्ट सारे इन्वायरमेंट के एक्ट आ रहे हैं, इसमें कुछ एक्ट हैं जो इसके अंदर नहीं रखे गए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज उसमें होता है। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये इसमें नहीं रखा गया। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ये भी नहीं रखा गया। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जिसमें राइट्स होते हैं, पर कंजर्वेशन वाला इसके अंदर रखा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इन दो को याद रखो और इसको याद रखो, ये वाला इंश्योरेंस लाइबिलिटी, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है। ये सारे एक्ट में जो भी आप वायलेशन करोगे, इनके अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको आप वायलेट कर सकते हैं, NGT उसके ऊपर अपना जो है ज्यूरिडिक्शन दे सकती है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब प्रिंसिपल जस्टिस अडॉप्टेड बाय, क्या प्रिंसिपल अपनाती है NGT, क्योंकि सिविल केस की सुनती है, तो एक सिविल के लिए तो सिविल कोड ऑफ प्रोसीजर होता है। अगर सिविल कोड है, उसका एक सिस्टम होता है कैसे उसे वर्क करना है, उस सिस्टम को मेंशन किया गया कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर मेंशन किया गया। पर NGT भी सिविल केस सुनती है, पर इस प्रोसीजर को नहीं अपनाती, इज नॉट बाउंडेड बाय द प्रोसीजर ले डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसको नहीं अपनाती। ये अपनाती है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस को अपनाती है।
दूसरी बात, NGT इज ऑल्सो नॉट बाउंड द रूल एंड एविडेंस, जो भी एविडेंस एक्ट होता है, जैसे हम मानते हैं एविडेंस एक्ट है ये है, उसको भी नहीं अपनाती NGT। ये अपना स्वतंत्र प्रभाव होता है इसके पास, चीज़ों को सुनना, नेचुरल वे में सुनना और उसके बाद में डिसीजन लेना। अभी डिसीजन जो भी चीज़ है, कोई भी डिसीजन हो, कोई अप्लाई कर सकता है, प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है ना, इन सब चीज़ों के जो पॉल्यूटेड पेस होते हैं प्रिंसिपल्स, उन सबको फॉलो करना है। अगर इसने कोई ज्यूरिडिक्शन सुना दिया, ठीक है ना, उसके बाद 90 दिन होते हैं आपके पास, 90 दिन होते हैं सुप्रीम कोर्ट में उस ज्यूरिडिक्शन की अपील करना। तो अगर इसके आपके खिलाफ चली गई, इसने आपके खिलाफ कोई ज्यूरिडिक्शन सुना दिया, इसने आप पे फाइन लगा दिया, एक चीज़ और बताता हूँ, ये 10 करोड़ तक का फाइन और 3 साल तक की शायद सजा दे सुना सकती है, तो ये भी आपको याद, इसने कोई फाइन लगा दिया, सजा सुना दी, तो आपके पास 90 दिन है सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोल रखा है कि NGT क्या है, NGT है पावर टू इन्फोर्स द ऑर्डर, इसके पास पावर भी है, इसने कोई ऑर्डर दिया, कोई मान्य उसे ऑर्डर को इन्फोर्स कराने की इसके पास एक तरीके से पावर है। ये कुछ हमें NGT के टर्म्स थे जो समझ में आए। और इंडिया पहली इकलौती कंट्री नहीं जैसे इसमें ऐसा एक्ट है, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ऐसा एक्ट ऑलरेडी है, तो ये भी आपको याद रखना है, 2 टर्म और याद रखो। अब आता है ग्रीन क्रैकर और पैसों के बारे में। पहली बात बताता हूँ ग्रीन क्रैकर, बाद में बताऊँगा, पहले पैसों बताता हूँ, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन ने जो परमिशन दे दी है ग्रीन क्रैकर बनाने के लिए, ये है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। देखो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव होता है, अब ऊपर से एक्सप्लोजिव तो होते ही हैं सारे तुम्हारे क्रैकर्स, तो ये एक पैसो है, एक ऑफिशियल मतलब ऑफिस अंडर किसके, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कंफ्यूज कर सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर दे सकता है, एटम मिनिस्ट्री कुछ भी दे सकता है आपको, तो ये याद रखना, ये DPIIT इसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1898 में अंग्रेजों के टाइम पे, और 1875 में, कल मैंने आपको IMD पढ़ाया था अंग्रेजों के टाइम पे, तो ऐसे ही मुझे याद रहते हैं, मैं रिपीट कर लेता हूँ, 1918 में इसको बनाया गया था। रेगुलेट करती है सेफ्टी, कैसे आपको एक्सप्लोजिव कंप्रेस जो गैसेज हैं पेट्रोलियम, उनको कैसे बनाना है, कैसे प्रोडक्ट करना है, क्या रिफाइन कैसे करना है, उन सबकी गाइडलाइंस देती है। अब इसका हेड ऑफिस कहाँ है, ऑब्वियसली बात है कहाँ पे होगा, नागपुर के अंदर होगा, क्योंकि नागपुर के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और इसके अंदर एक नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जिसे नीरी बोलते हैं, ठीक है, जो काउंसिल है CSIR साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च इज एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हैविंग द 38 नेशनल लेबोरेटरीज वर्किंग वेरियस एरिया ऑफ द साइंस एंड द टेक्नोलॉजी। तो ये आपको मैं क्या बता रहा हूँ, इसका हेड ऑफिस नागपुर के अंदर है, कुछ इंस्टीट्यूट उसके साथ काम करते हैं, जैसे आपका नीरी हो गया, CSIR नीरी हो गया, तो कुछ लेबोरेटरीज हैं जो उसके साथ कोलैबोरेट करके काम करते हैं, आप इसे याद रख सकते हो। अब ऑप्शन आता है ग्रीन क्रैकर क्या होते हैं, वही परमिशन देते हैं, ये पैसों ही परमिशन देता है, CSIR जो नीरी इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने डेवलप किए हैं ग्रीन क्रैकर को, और प्रोडक्शन आफ्टर दे आर अप्रूव द, मतलब जो पैसों इन्होंने अप्रूवल दिया उसके बाद इन्होंने एक्सप्लोजिव चीज़ें बनाई। अब ग्रीन क्रैकर होते क्या, ये फायर क्रैकर ऐसे क्रैकर होते हैं डेट लेस डेंजर लेस हार्मफुल केमिकल देन द कन्वेक्शनल वन, ये थोड़े कम डेंजर होते हैं, कम हार्मफुल होते हैं जो कन्वेक्शनल नॉर्मली यूज़ करते हैं उनसे, ठीक है, ऐसे कैसे होता है भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा, दे हैव द केमिकल जो उनके फॉर्मुलेशन होता है प्रोडक्ट करने का, वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा उसमें है, दे हैव सब्सटेंशियल रिडक्शन है इमिशन, जो इमिशन निकालते हैं ना ऑब्जर्व करते हैं डस्ट फस को, ये ऑब्जर्व भी करते हैं डस्ट को और इमिशन कम करते हैं चीज़ों में, तो बेसिकली ये लाइट एंड द साउंड शो द प्रोड्यूस अ लोअर इमिशन, जो उनकी लाइट और साउंड होती है जैसे पटाखा फटता है तो आवाज़ करता है, तो ये कम उसमें से जो गैसेज हैं हार्मफुल वो कम निकलती हैं, ये प्रॉमिस करते हैं कि 30-35 रिडक्शन करने में पार्टिकुलेट मैटर जो PIM बोलते हैं नाइट्रियस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड उसको कम करने में मदद करते हैं। अब आपको पता ही है ऑल्सो इन द वर्क ई क्रैकर्स बींग डेवलप बाय, ई क्रैकर्स क्या हो गया, आप सोचोगे ई क्रैकर्स क्या है, इकोनॉमिकल फ्रेंडली क्रैकर्स बोल सकते हैं, ये भी इन्होंने ही बनाए हैं आपके निरीक्षण। तो ये आपके इसमें कुछ केमिकल टर्म्स हैं, ई क्रैकर्स में क्या क्या होता है वो उसमें हम नहीं जाएंगे, बस आपको याद रखना है बहुत फ्रेंडली होते हैं। अदर इनिशिएटिव जो भी हैं इनके और भी अंदर डिसीजन, बिजली क्रैकर डेट आर एलिमिनेट यूज एश एंड ये सब, ये क्रैकर ऐसे बना रहे हैं, काम तो करेंगे, आपको भी फायदा देंगे, इन्वायरमेंट में कुछ चीज़ें ऑब्जर्व भी करेंगे, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेंगे, ये कुछ सारी चीज़ें हैं। इको फ्रेंडली क्रैकर्स भी बोल सकते हैं ई क्रैकर्स को, इको फ्रेंडली क्रैकर्स, ये वो नहीं है कि अलग वाला। तो हम आते हैं वापस अपने हिंदू के ऊपर, इतना मैंने आपके NGT के बाद 2-3 के बारे में बता दिया, शायद ICSE बोर्ड का रिजल्ट आ गया होगा, क्योंकि अब तो 3 बज रहे हैं रात के, तो सुबह ही आ गया होगा अब तो 12 घंटे पहले, आगे चलते हैं।
दूसरी जो आती है वो रिलेटेड टू आती है NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। मणिपुर के जर्नलिस्ट थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में उन्हें अपील किया है कि अगेंस्ट उनको NSA लगा के उनको जेल में रख दिया गया। देखो आपने बहुत देखा होगा ये 3-4 एक्ट, मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो बता रहा हूँ सिडिशन, एक तो है सिडिशन एक्ट ये वाला, सेक्शन 124 ये हो गया। उसके बाद है एक UAPA अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट जो है 1967, और एक ये NSA हो गया। ये कुछ ऐसे एक्ट हैं जिनसे यूज़ करके और भी एक्ट हैं, मतलब कहीं ना कहीं आवाज़ को दबाया जाता है। जैसे एक और एक्ट लिख लो, IT एक्ट भी लिख सकते हो आप, IT एक्ट 2000, उसके अंदर जो प्रावधान है 69A। ये कुछ एक्ट ऐसे हैं इनका यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं अभी रिसेंटली गलत यूज़ हो रहा है ऐसा मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी रिपोर्ट NCRB की रिपोर्ट बोलती है, सुप्रीम कोर्ट कई बार बोल सकती है। इस साल को बोला है कि 75 ईयर ओल्ड ऐसा एक्ट है, 75 साल हो गए आज़ादी को और अब भी आप इस एक्ट का यूज़ कर रहे हो। ये 1860 या 70 के अंदर लेके आए थे IPC के अंदर, क्यों लेके आए थे, क्योंकि जो गवर्नमेंट अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलता था उसको जेल में रखने के लिए। इसमें आपके बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में लिखते थे अंग्रेज़ों के बारे में, उनको भी जेल काटनी पड़ी है। तो ऐसे एक्ट अभी तक इंडिया में वर्क कर रहे हैं। तो ये वाली बात हम पढ़ेंगे, NSA है क्या। NSA जो एक्ट है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसको किया है, होल्डिंग किया है कि ये चीज़ गलत की जाती है। कभी सुप्रीम कोर्ट खुद बोलती है कुछ ऐसे लोग हैं जो होल्डिंग करते हैं, प्रॉफिटिंग कमा रहे हैं, एडल्टरिंग कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं कोविड टाइम पे एसेंशियल आइटम की, उनको NSA के अंदर रख दो, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। सुप्रीम कोर्ट कभी खुद भी बोलती है कुछ गलत आप करते हो। तो NSA है क्या, NSA पास है 1980 में, इसको पास किया गया था, इंट्रोड्यूस बाय द इंदिरा गांधी। थोड़ा इंदिरा गांधी ऐसा बोला जाता है ना, एकदम आयरन लेडी टाइप, तो इंदिरा गांधी इंट्रोड्यूस करती हैं, एक ऑर्डिनेंस के रूट से लाते हैं, यानी कि कोई सदन नहीं होगा उस टाइम पे, मतलब या सेशन नहीं चल रहा होगा या फिर लाना होगा, इमरजेंसी होगी किसी बात की, तो ये ऑर्डिनेंस एक ऑर्डिनेंस से लाती है। और ऑर्डिनेंस में बताओ इसकी मैक्सिमम टाइम कितना होता है, 6 मंथ प्लस 6 वीक का टाइम होता है। 6 मंथ क्यों बोला जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है 2 सेशन के बीच में 6 मंथ का वक्त होना चाहिए। अगर एक बार सेशन स्टार्ट हो तो 6 वीक के अंदर आपको इसको पास कराना है, तो ऐसे लगाया जाता है 6 मंथ और 6 वीक का ऑर्डिनेंस का वो रहता है। ये हो गया, NSA बनाते हैं, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन देता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या, किसी को आप क्राइम करने से पहले ही उठा लोगे। प्यूनिटिव डिटेंशन होती है, उसे क्राइम कर लिया उसने, उसके घर जाओगे उठाओगे, 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करोगे। पर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है इसमें कोई बताना नहीं होता, उसको क्राइम करने सस्पेक्ट के रूप में भी आप उसे उठा सकते हो। ये है डिटेंशन होती है, इसके बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। ये ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड से चलती आ रही है। द फर्स्ट सच ए लॉ लेके आए थे 1818 बंगाल रेगुलेशन एक्ट, 3rd आया था उसी टाइप का था जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाता था। देन 1990 में रोलर एक्ट भी ऐसा ही एक्ट था कि आप करने से पहले आपको उठा लिया जाता था। फिर लेटर इन द आफ्टर इंडिपेंडेंस नेहरू गवर्नमेंट इनेक्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, पर ये 69 में एक्सपायर हो गया था, ये याद रखो। फिर देखा गया इंदिरा गांधी दोबारा लेके आई 1971 में, उन्होंने किया कि मेंटेन्स द इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, अल्टीमेट पावर टू द गवर्नमेंट के पास आ जाती थी इसमें इन्फोर्स करने की कोई भी बॉडी को। फिर 1970 में इसको रिपील कर दिया गया, गवर्नमेंट चेंज हो चुकी थी इनकी। फिर 1980 में NSA लेके आई दोबारा से, वो दोबारा से उन्होंने NSA बनाया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अब इसमें आर्टिकल जो 22(3) है, आर्टिकल 22(3) है फंडामेंटल राइट्स का, वो बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउड, ये अलाउ करता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड द रिस्ट्रिक्शन ऑन द पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ द रीजन ऑफ द स्टेट सिक्योरिटी एंड पब्लिक डिसऑर्डर। अगर आपको मैं ऐसा लग रहा हूँ कि मैं पब्लिक लाइबिलिटी को हार्म कर सकता हूँ, कोई पब्लिक ऑर्डर कर सकता हूँ, स्टेट की सिक्योरिटी के खिलाफ हो, तो मुझ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा के आप मुझे पहले ही गिरफ्तार कर सकते हो, ये आर्टिकल 22 आपको बताता है। फिर फर्दर आर्टिकल 22(4) स्टेट डेट नो लो प्रोवाइड फॉर ए प्रिवेंटिव डिटेंशन सेल ऑथोराइज द डिटेन ऑफ ए पर्सन फॉर ए लॉन्गर देन पीरियड ऑफ 3 मंथ अनलेस। अगर आप किसी पर्सन को उठाते हो, उठा लिया मुझे, ले गए जेल में, नहीं बताया किसी से, मेरे घर वालों से, मुझे कोर्ट के सामने पेश नहीं करा, सीधा जेल में रख दिया, तो आप मैक्सिमम 3 मंथ तक किसी इंसान को रख सकते हो, उसके बाद उसको लीगल एडवाइजरी बतानी होगी। अगर आपको और भी रखना है, आगे भी सिस्टम को बढ़ाना है, फिर एक कमेटी बनती है जिसमें हाई कोर्ट के जजेस होते हैं और भी मेंबर्स होते हैं, वो डिसाइडेड करते हैं कि उसको और भी 3 मंथ से ज़्यादा एक्सटेंड करना है नहीं करना, ऐसा भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब इसमें एडवाइजरी बॉडी रिपोर्ट द सफिशिएंट कॉज ऑफ एक्सटेंड, देखो आ गया ना, एडवाइजरी बॉडी होती है ये सफिशिएंट कॉज के आप और 3 मंथ से ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो वो सब बताना होता है। फिर 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, वो 3 मंथ से घटाकर 2 मंथ करने की बात की गई,
दो मंथ का नहीं, पर अभी तक वो स्टिल कंटिन्यू 3 मंथ का ही चालू हुआ है कि तीन, अगर मैं ऐसा लग रहा हूँ मेरे पर NSA लगाया तो मुझे पुलिस प्रिवेंटिव डिटेंशन करके उठा के ले जाएगी, ना मेरे घर वालों को बताएगी, ना मजिस्ट्रेट के सामने रखेगी, मुझे नहीं पता कहाँ रखेगी, और 3 मंथ तक अंडरग्राउंड रखेगी। उसके बाद बताना होगा कि एक्सटेंड करना है तो उसके लिए एक एडवाइजरी बोर्ड बनाना होगा, अगर एक्सटेंड करना चाहते हो 3 मंथ से आगे, वो बोर्ड डिसाइड जो करेगा उसके बाद वो होगा, उसमें हाई कोर्ट के जजेस वजेस होते हैं, मैंने आपको बता दिया। सच ए पर्सन डिटेन इन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, अब किसी को उठा के आप ला रहे हो घर से तो कुछ तो रूल्स फॉलो करोगे, ये तो नहीं आप कुछ भी उसके साथ इल ह्यूमन नेचर करोगे, ह्यूमन राइट्स ब्रेक करोगे, नहीं, कुछ गाइडेंस होती हैं जिसके अंदर रखा जाता है। अब प्रोविज़न क्या है NSA एक्ट 1980 के अंदर, ये एम्पावर करता है सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट को कि डिटेन करने के लिए पर्सन ही डज नॉट एक्ट इन एनी प्री जुडिशियल टू द नेशनल सिक्योरिटी, पहले से गिरफ्तार कर लोगे, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। द इंडिविजुअल कैन डिटेन विदाउट ए चार्ज, मतलब कोई चार्ज नहीं है, फॉर अप टू 12 मंथ, 12 मंथ तक रख सकते हो विदाउट एनी चार्ज, कुछ पूछताछ के रूप में रखते हैं। द डिटेंशन पर्सन कैन बी हेल्ड 10 डेज विदाउट बींग टोल्ड, आपको क्यों गिरफ्तार किया है, 10 दिन ऐसे भी रख सकते हैं, भाई साहब खतरनाक चीज़ है। अब ग्राउंड ऑफ डिटेंशन क्या है, वही जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डिफेंस ऑफ इंडिया, रिलेशन इंडियन फॉरेन, जो पावर्स के रिलेशन आप कुछ ब्रेक करते हो, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के बारे में रेगुलेट करने के लिए फॉरेन इंडिया में आया, उसे देखने के लिए कोई गलत चीज़ तो नहीं है इंडिया में, हो सकता है प्रिवेंट करने के लिए एक्शन, कोई एक्शन कुछ गलत एक्शन ना ले लो उससे पहले उसको रोक लो, इन सब चीज़ों के लिए। अब कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड जो है मैंने बताया था ऊपर बनाया जाता है, जो बताता है कैसे करना है, उसमें 3 पर्सन होते हैं जिन्होंने ऊपर बताया था, क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ द हाई कोर्ट, मतलब वो जज भी हो सकते हैं हाई कोर्ट के, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो जो क्वालिफाइड हो सके जज, हाई कोर्ट के जज बनने लायक, उसकी कुछ पूरी मान्यता फुल करता उसको बना सकते हैं। द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन मस्ट बी प्लेस बिफोर द एडवाइजरी बोर्ड विद इन 3 वीक फ्रॉम द डिटेंशन, जैसे गिरफ्तार केस के सामने रखनी होगी डिटेंशन के बारे में क्या करना है आपको क्या नहीं करना। इफ़ द बोर्ड फाइंड द नो सफिशियंट कॉज ऑफ डिटेंशन द गवर्नमेंट शुड रिवोक द डिटेंशन ऑर्डर रिलीज द पर्सन, ये बोर्ड डिसाइड करता है तो वो छोड़ना पड़ेगा। अब इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है बहुत बार, क्रिटिसाइज़ क्यों किया आर्टिकल 22 के लिए, क्योंकि उसमें प्रोविज़न है कि जो पर्सन को आप अरेस्ट करोगे उसे इन्फॉर्म करोगे किस ग्राउंड पे किया है, ठीक है। अरेस्ट पर पर्सन कैन नॉट बी डिटेन राइट टू कंसल्ट, उसके लीगल एडवाइजरी मिलनी चाहिए, उसका वकील, कहते हैं ना मेरा वकील ही बात करेगा आपसे, ऐसे बहुत धौंस देते हैं आजकल के लोग, ठीक है। अरेस्ट किया है कि 24 घंटे मैजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना होगा, मैजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे प्लस ट्रैवलिंग टाइम जो होता है कहाँ से आप लेके आ रहे हो वो सब। However, none of these safeguards are available if the person is detained in NSA. ऐसा कुछ नहीं होता है अगर NSA के अंदर गिरफ्तार हो रहे हैं तो ऊपर के safeguard खत्म हो जाते हैं आपके, तो यही है कि पर्सन को 10 दिन तक बिना बताए रख सकते हैं। इवन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट गवर्नमेंट विदहोल्ड, मतलब एक से अगेंस्ट द पब्लिक पहले गिरफ्तार कर सकती है। अरेस्टेड पर्सन इज ऑल्सो एंटाइटल्ड, मतलब उसे नहीं मिलेगी कोई पब्लिक एड वेड है ना, वो सरकारी वकील नहीं मिलेगा, ये सब उसे नहीं दिया जाएगा, या अपना वकील करना चाहे तो भी नहीं मिलेगा। और डिटेंशन समवन विदाउट द ट्रायल ड्यूरिंग द नॉर्मल टाइम, सो ट्रायल भी नहीं कर सकते, विदाउट ट्रायल आप उसको रख सकते हो। वाइल इट इज़ ट्रू दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड आर्टिकल 22(3) दैट डज नॉट एक्सटेंड द सेफ गार्ड ऑफ क्रिमिनल सिस्टम टू प्रिवेंटिव डिटेंशन, वो लागू नहीं होते प्रिवेंट डिटेंशन पे, आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ, बहुत सारे क्रिटिसाइज किया गया है। NSA अलाउ द कस्टडी ऑफ पर्सन विदाउट द फ्रेमिंग ए चार्ज, पहले गिरफ्तार कर सकते हो, पुलिस मेक ए यूज़ ऑफ NSA व्हेन दे आर अनफिलिंग और अनएबल टू मेक ए क्राइम केस, ये सब चीज़ें देखो ये बड़ी बड़ी चीज़ें, वेग लैंग्वेज यूज़ करते हैं क्योंकि पब्लिक डिसऑर्डर, वो तो आप ऐसी लैंग्वेज है पब्लिक डिसऑर्डर ये वो सब बता के गिरफ्तार कर लेंगे, ये सब चीज़ें। इसमें कंक्लूजन यही है कि ट्रांसपेरेंसी बनाना चाहिए हमें चीज़ों को, प्रिवेंटिव डिटेंशन है ठीक है, आपने अरेस्ट किया है, अब तक इतने लाख लोग अरेस्ट हो चुके हैं उसके अंदर, और ठीक है NSA इज द क्लोज लूप होल है उसके अंदर, कुछ हमें अच्छा करना चाहिए और कुछ उसमें सेक्योरिटी राइट्स लोगों के भी ऐड करने चाहिए कि लोगों को राइट मिल पाए, तो ये मैंने आपको बता दिया है अपने हिंदू के अंदर से। आगे चलते हैं NSA के बारे में, बहुत सारी आपको जानकारी दे दी है। फिर देखो UAP भी ऐसा ही लॉ है, UAP कई बार पढ़ा चुका हूँ तो आज इसको रिपीट नहीं करेंगे। दूसरी स्कीम आती है जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, उसको स्पीडली करना है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उनको बढ़ाना है, तो एक प्रोग्राम है क्राइमेटिकल ग्रुप EV 100 ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल 100 ड्राइव, ये प्रोग्राम है, इसके साथ उन्होंने हैंड मिलाए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि 2025 तक हम 25% अचीव कर जाएँ, जो व्हीकल्स हैं 25% हो जाएं 2025 तक, ऐसा उन्होंने टारगेट फिक्स किया। तो क्योंकि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी स्कीम है, तो क्लाइमेटिकल जो ग्रुप है इज़ ए इंटरनेशनल, मतलब कि इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ग्रुप है, NGO टाइप ये है,
ठीक है, तो क्या करता है, ब्रिज करता है गैप बिटवीन, जो है गैप प्राइवेट कंपनीज एंड द स्टेट गवर्नमेंट, टू इजी करने के लिए कि आप शिफ्टिंग कर पाएँ जो फ्लीट्स हैं, फ्लीट्स मतलब ये सरकारी जो फ्लीट्स होती हैं, बसेस होती हैं, इनको आप क्या कर पाएँ, इनको इलेक्ट्रिकल बसेस बना पाएँ। तो एक एनजीओ ग्रुप है, उसके साथ हाथ मिलाए और स्पीडली हमें काम करना है। द फ्लीट द फर्स्ट सिस्टम ऑफ द मेजर ऑफ ईवी टुडे द प्राइवेटली एंड पैसेंजर व्हीकल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, बूस्ट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर को, और ईवी ज्वाइन करने के बाद जो ड्राइव 100% फ्लीट ट्रांजेक्शन बाय 2030। फ्लीट बसेज होती हैं, आपने पढ़ा होगा, फ्लीट बसेज होती हैं, वो पब्लिक भी और गवर्नमेंट भी उन्हें चलाती है। तो उन बसों को इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, इनका जो टारगेट है ईवी 100 ड्राइव का, 2030 तक 100% इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को देना है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनके साथ हाथ मिला। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की ज़रूरत क्यों है, नीड क्यों है, चैलेंजेस क्या हैं, और गवर्नमेंट की कौन कौन से इनिशिएटिव हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं। चलते हैं अपने नोट्स पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इन इंडिया? एक व्हीकल है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, यूज़ इसमें इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ होती है, फिर उसे ट्रांजेक्शन मोटर भी बोलते हैं जो पल्पशन करती है, ये सब है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में भी पावर थ्रू द सेल्फ, उसमें कंटेन बैटरी होती है, या तो बैटरी हो या फिर सोलर पैनल से चल रहा हो, और इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर उसमें कन्वर्ट कर रहा हो फ्यूल को इलेक्ट्रिसिटी में, ये सारी इसमें प्रावधान होते हैं, तो ये को याद रखना है। चैलेंजेस क्या हैं, बहुत सबसे बड़ी बात आती है, चैलेंजेस क्या होते हैं? लैक ऑफ स्टेबल पॉलिसी, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है पर्टिकुलर हमारे पास जो स्टेबल रहे काम के लिए, ठीक है। टेक्नोलॉजी चैलेंज है, टेक्नोलॉजी कैसा चैलेंज है, ठीक है, आपने व्हीकल तैयार कर दिया, एक तो आपका प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का बहुत कम है, इंडस्ट्री कम है, फिर उसके बाद इंडस्ट्री डेवलप कर ली, बैटरी इंडस्ट्री कम है, सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं, कंट्रोलिंग, बहुत सारी चीज़ों की हमें प्रॉब्लम आती है टेक्नोलॉजी की। लैक ऑफ एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, अब आपने गाड़ी बना तो दी, उसके मतलब जो फास्ट चार्जिंग स्टेशंस नहीं है, बैटरी स्वैप स्टेशंस नहीं है, तो उसका खामियाजा रखना पड़ेगा, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल नहीं मिलता लोगों को, अगर आपने देखा हो ई रिक्शा, वो बेचारे कहीं भी ठीक कराते हैं, वो बोलते हैं मैंने कई बार पूछा भैया इसमें प्रॉब्लम आ रही है, क्या करें भैया, कोई सामान नहीं मिलता है इसका, हम लोकली ठीक करा लेते हैं, इसे अपने हाथ से ठीक कर लेते हैं, मतलब सर्विस अच्छे से प्रोवाइड नहीं होती है, ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम है। लैक ऑफ स्किल वर्कर, ठीक है, उसने बोला ना कहीं भी ठीक कराते हैं, मैकेनिक नहीं है प्रॉपर इसका, ये वो सब नहीं है, तो एक वही प्रॉब्लम आती है कि स्किल वर्कर भी हमें इसमें लाना होगा। अब नीट क्यों है, सबसे बड़ी क्लाइमेटिकल चेंज, भाई पॉल्यूशन कम होगा, ये सब बात, रैपिड अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है जैसे, तो मतलब अर्बनाइजेशन, तो अर्बनाइज बढ़ेगा तो कारेज ये सब भी बढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की ज़रूरत है। एनर्जी सिक्योरिटी, हम फ्यूल बचा पाएंगे, क्रूड ऑयल है, एक तो पैसा भी लगता है उसको खरीदने के लिए, उसके बाद क्लाइमेटिक में जो पॉल्यूटेड करता है चीज़ों को, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट पैसा का यूज़ करती है, और फिर अपनी एनर्जी बचा पाएंगे, ये सब है। कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि स्किल्स प्रोवाइड करनी है लोगों को, कैसे उसे चलाना है, कैसे उसको सर्विस प्रोवाइड करानी है, कौन उसे मैकेनिक चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। क्लीन एंड लो कार्बन एनर्जी, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद कटिंग एजेस ऑफ बैटरी टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों वर्क करके हम कर सकते हैं। अब कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं उसके लिए, मैं पूरे बताऊंगा जितने इनिशिएटिव इंडियन गवर्नमेंट के हैं। सबसे पहले आता है गवर्नमेंट हैड टारगेट, गवर्नमेंट ने टारगेट फिक्स किया, ये बात याद रखना, 3% न्यू सेल्स ऑफ कार टू व्हीलर्स बाय 2030 एंड लेस देन 1% टुडे, जो 1% टुडे है खरीद, उसे 30% बनाना है। बिल्ड करना है सस्टेनेबल ईवी इकोसिस्टम इनिशिएटिव, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इकोसिस्टम इनिशिएटिव है, लाइक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी मिशन प्लान NEMMP, फास्ट अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जिसे फेम इंडिया स्कीम बोलते हैं, लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो ये कुछ स्कीम है, दो के नाम आप याद रखते हो, NEMMP और FAME, ये दो स्कीम है जो वर्क करती हैं। जो NEMPP, इसको 2013 में यानी कि कांग्रेस ने लॉन्च किया था, एम टू अचीव द नेशनल फ्यूल सिक्योरिटी प्रोमोटिंग द हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने के लिए, इसका जो टारगेट था 6 से 7 मिलियन सेल हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की करनी थी 2020 को तक, तो अभी तो खत्म हो गया, तो एक तो याद रख सकते हो क्योंकि ये कांग्रेस के टाइम पे स्टार्ट हुई थी। फिर फेम स्कीम आई, अब गवर्नमेंट चेंज हुई 2014 में, सोचा अपने हिसाब से करेंगे अब काम, तो 2015 में फेम स्कीम लेके आए, फास्ट अडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्कीम लेके आए, इसमें सपोर्ट किया गया, हाइब्रिड व्हीकल सबको फोकस किया गया,
इसकी में फोर फोकस किया गया चार जगहों पे, एक तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए, डिमांड क्रिएशन के लिए, पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो इन सब चीज़ों पे काम इसमें स्कीम के अंदर किया गया। फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS, ये डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री जैसी, और ये BIS पता है किसके अंदर आती है आप बताना, ऐसी मिनिस्ट्री है आप सोच भी नहीं सकते उसके अंदर BIS आती होगी। फिर डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव रिसर्च जो एसोसिएशन है, ये सारी एसोसिएशन मिलके इन्होंने काम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया इंडिया में। आप देखते हो बहुत सारी गाड़ी भी देखी होंगी आपने, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सप्लाई, चार्जिंग स्टेशन, इन सब के लिए काम इन्होंने करना इन सारी मिनिस्ट्रियों ने, डिपार्टमेंट ने भी स्टार्ट किया। फेम स्कीम जो थी 2015 में लॉन्च की गई थी, फिर इसका फेम का टू वर्जन लॉन्च हुआ, फेज टू लॉन्च किया गया। गिव पुशअप करना है किसको, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इंक्रेज करना है। कैसे करेंगे, उनको जैसे जो डिमांड है वो फुलफिल करके उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवा के, आप खरीदोगे तो ये भी आपको मिलेगा, फ्री में ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन मिलेगा, अगर आप खरीदोगे इतने लाख रुपये गवर्नमेंट भी देगी, ऐसे चीज़ों को देंगे उन चीज़ों को। तो इसके लिए क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च डेवलपमेंट जो EV टेक्नोलॉजी है, पुश टूवर्ड ग्रेट इंडियनाइजेशन, मतलब कि भारत में डेवलप करो। इस्टेब्लिश करना है चार्जिंग स्टेशन को, हर 25 किलोमीटर पर ऐसा चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट का प्रावधान है बड़े बड़े जो नेशनल हाईवे है। द स्कीम इज टोटल आउटेड 10,000 करोड़ का इसका स्कीम रखी गई है 3 ईयर के लिए और 1 अप्रैल 2019 से लागू है, यानी कि 2021-22 तक कुछ इनके टारगेट्स हैं वो फुलफिल करने हैं, 25 किलोमीटर ये हो सकता है। फेम टू क्या प्रोवाइड करती है, इंसेंटिव्स ऑफ टू मैन्युफैक्चर, जो बनाएंगे उनको इंसेंटिव्स मिलेंगे, डेवलपिंग जो इलेक्ट्रिसिटी है व्हीकल्स हैं उन सबको इंसेंटिव दिए जाएंगे, या फिर जो बैटरी बनाएंगे लिथेनियम आयन वाली या इलेक्ट्रिकल मोटर बनाएंगे, इन सबको इंसेंटिव्स गवर्नमेंट प्रदान करेगी। द सेंटर कैन आस्क द स्टेट टू फ्रेम द EV पॉलिसी, प्रोवाइड द एडिशनल फिजिकल एंड नॉन फिजिकल इंसेंटिव टू द मैन्युफैक्चरिंग एंड द बायर्स, ये सब चीज़ें इसे प्रोवाइड की जाएंगी। अब नेशनल विजन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मोबिलिटी ऑफ जो आपका है बैटरी स्टोरेज, ये भी इसमें आया। फिर इसमें प्रमोट करना है क्लीन कनेक्टिंग बैटरी बनाने के लिए, बस ये याद रखो। फेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम वैलिड फॉर 2024 तक चलेगा। सेटिंग करना है फ्यू लार्ज स्केल ऑफ एक्सपोर्टिंग कॉम्पिटिटिव इंटीग्रेटेड बैटरी बनानी है, गीगा प्लांट इंडिया में डेवलप करना है, क्रिएशन करना है 5 ईयर में कि अच्छी बैटरी भी हम बना पाएँ, एक वैल्यू जो चेन है पूरे इलेक्ट्रिकल व्हीकल की उसको अच्छे से हम चला पाएँ। ये सारी न्यूज़ आती है आपके रिलेटेड टू इस चीज़ से, स्कीम के नाम भी याद रख लिए, क्यों ज़रूरत है वो भी हमें पता लग गई, और क्यों इंडिया में लाना है ये भी हमें पता लग गया। वैसे इससे मैं पढ़ा सकता हूँ आपको, तो विदाउट चेंजिंग में चलो चेंज करता हूँ, चलो यहीं से मैं पढ़ा देता हूँ आपको, वेट अ मिनट, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा। कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक ये सारी चीज़ें होती हैं प्रॉब्लम की। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ चीज़ों में बता रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करती हैं, प्रॉब्लम ऐसे करती हैं, टेक्नोलॉजी है। अब टेक्नोलॉजी का कुछ भी हो सकता है कभी भी। जो दूसरी न्यूज़ आती है ये तो हमारे काम की नहीं है, सीरो सर्वे क्या होता है, पर्टिकुलरली कहीं से भी किसी को पिकअप कर लिया जाता है, रेंडमली सर्वे करा दिया जाता है 2,000-5,000 लोगों को, और एक उसमें से पता किया जाता है कि 1,000 लोगों को हमने कहीं रेंडमली पिकअप किया, उनका टेस्ट किया और पता लगा है कितने में एंटीबॉडीज़ हैं, कितने को वैक्सीन लग चुकी हैं, इन सब चीज़ों को पता करने के लिए। हर्ड इम्यूनिटी कितने लोगों में बन गई है, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई है नहीं हुई है, क्या हुआ है, तो उसका सीरो सर्वे कराया जाता है। ये सब उसी से रिलेटेड है, ये हमारे बिल्कुल काम करने साइड में कर दो। हमारे काम का गंगा मैसेज, अभी एक एजेंसी ने कुछ सैंपल कलेक्ट किए कानपुर हरिद्वार जगह जगह से, और पाया NGO था, और पाया कि जो गंगा में है जो जगह है वाराणसी कानपुर वाले एरिया है, वहाँ पे माइक्रो बेड्स यानी कि माइक्रो प्लास्टिक, बिल्कुल जरासी प्लास्टिक जो होती है वो पाई गई, और वो कहीं फिश के अंदर जाती है, फिश उसको कंज्यूम करते हैं, उसके बाद आप कंज्यूम करते हो, तो इनडायरेक्टली हेम्पिंग वो हमारे ऊपर पहुँचा रही है। तो ये सब कलेक्ट किए गए, तो माइक्रो प्लास्टिक रिकॉर्ड चेक किए गए रिसेंटली द रिमोट प्लेस, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें देखी गई उसमें कि माउंट एवरेस्ट जो आर्टिक स्नो है इन सब जगह भी, फिर मैरिना ट्रेंच है उसमें, आप देखो माइक्रो प्लास्टिक के पूरे पूरे झुंड दिखाई देते हैं प्लास्टिक चीज़ों के। आप बॉटल डालते हो पानी के अंदर, वो बेचारी टूट टूट के माइक्रो बन जाती है, या फिर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं फैक्ट्रीज में, वो माइक्रो प्लास्टिक सीधी जाके किस में हार्मफुल देती है चीज़ों को, फिर वही चीज़ वो फिश के अंदर जाती है, फिश से आप कंज्यूम कर देते हो, तो कहीं ना कहीं बीमारी आपके अंदर आ रही है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे हमारे इंडिया में प्रोग्राम्स हैं,
इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें नेशनल क्लीन गंगा काउंसिल्स है उसके अंदर, फिर नमामि गंगे प्रोग्राम है, फिर अरिवल धारा और निर्मल धारा क्या होती है, और भी जितने प्रोग्राम है। ये तो कम से कम 10 से 15 मिनट का ही सिंगल टॉपिक है पूरा गंगा के ऊपर, गंगा की कौन कौन सी ट्रिब्यूटीज़ हैं, कहाँ कहाँ से वो बहती हैं, कहाँ कहाँ से निकलती हैं, फिर गंगा की ओरिजिन कहाँ से होता है, गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, कहाँ पे वो मिलती हैं, कहाँ पे विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, आपका रुद्रप्रयाग, ये सब डेवलप होते हैं। ये सब चीज़ एक सेपरेट वीडियो पूरी मैं आपको पढ़ाऊंगा, कैसे ओरिजिन होता है, क्या क्या प्रॉब्लम है आज की तारीख में, गवर्नमेंट ने क्या क्या वर्क किया है उसके लिए, उस काउंसिल का हेड कौन करता है, तो ये एक अलग टॉपिक है। इसके लिए मैं 15 मिनट की वीडियो इसी वीडियो के बाद आपको प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरी आती है एम्पावर द नेचर। अभी सुप्रीम और बोला है कि बायोसेंट्रिक आपके ज्यूरिसप्रूडेंसी, इसमें क्या है बायोसेंट्रिक जो है कि गवर्नमेंट की, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, अपने आप भी रूलिंग ले सकती है, सुयो मोटो ले सकती है, बायोसेंट्रिक अप्रोच रखे। बायोसेंट्रिक मतलब क्या है कि बायो इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे डिडक्शन दिया। जो ग्रेट इंडिया पोस्चर है इसके बारे में पूरा बताऊंगा मैं, ठीक है ना। ये एक एंडेंजर स्पीसीज़ है, आपको बता देता हूँ, अच्छे नोट्स पे आ जाता हूँ डायरेक्टली, यहाँ पे मैंने मेंशन किया, एक एंडेंजर स्पीसीज़ है, मात्र 200 बचे हैं इंडिया के अंदर, आज के टाइम पे 200 बचे हैं बस, एक तरह से एंडेंजर है, क्रिटिकल एंडेंजर वो आएगी है। इनको खतरा किस चीज़ से है, बहुत सारी चीज़ें पावर, जो बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं ना, जो पावर की लाइनें होती हैं, ट्रांजिशन लाइनें होती हैं, उससे खतरा है, और भी बहुत सारी चीज़ें, उन सब चीज़ों से खतरा है। तो उनको ही रोकने के लिए, जो उनके एरिया में आपने इतनी बड़ी बड़ी ये जो इलेक्ट्रिकल लाइनें बना रखी हैं, इनको हटाया जाए, ऐसा कई बार वो बोल चुके हैं, जो मिनिस्ट्रीज़ हैं स्टेट गवर्नमेंट से ही बोला है उन्होंने कई बार, पर अब तक कोई स्टेप नहीं लिया। फिर सुप्रीम कोर्ट आगे निकल गया, बेचारे इन बर्ड को बचाओ, क्योंकि ये बर्ड जो है, नेचर जो आपका साइकिल होता है ना, एनिमल साइकिल होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक तरह से ये बहुत ज़रूरी है हमारे नेचर के लिए। तो बायोसेंट्रिक वैल्यू जो है आपको इको प्रिजर्वेशन की जो फिलॉसफी बोलती है, बायोसेंट्रिक नेचुरल इन्वायरमेंट के लिए आप कोई भी वर्डिक्ट होल्ड कर सकते हो। जो बायोसेंट्रिक है, जो चीजरिज्म है, ऑफ्टन केम इन टू द कॉन्फ्लिक्ट विद कॉन्ट्रैक्टिंग फिलॉसफी के ऊपर है, ये सब चीज़ों के इतना हम डीपली नहीं जाएंगे, बस हम जो पढ़ेंगे, हमारा मेन जो इशू है हम यही पढ़ेंगे, कैसे हम इनको बचाना है, क्या क्या हमको इन चीज़ों के अंदर करना है। कि जो और भी जगह है, इन्होंने बहुत सारी जगहों को बताया कि जैसे आपका मोनोकल्चर फार्मिंग है, इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जो सुमात्रा और भी जगह का यूज़ किया गया है, इन्होंने पूरे वर्ल्ड की बात की है, जो स्पीसीज इन द डेंजर, ह्यूमन शेयरिंग द वर्ल्ड, ठीक है, आप शेयर करते हो वर्ल्ड विद ए काउंटलेस ऑफ द अदर स्पीसीज़। देखो मैं रह रहा हूँ मेरी जगह, अगर एक कुत्ता है कॉलोनी के अंदर, कोई डॉग है कॉलोनी के अंदर, उसका भी घर है वो, ऐसी बात नहीं है तुम ही उसके मालिक हो, उसका घर है, आपने उसके ऊपर घर बना लिया। तो अबाउट द 50 ईयर्स देर इज़ ए 450,000 लायंस थे अफ्रीका के अंदर, आज 20,000 बचे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने जो मोनोकल्चर फार्मिंग, ये आपको पढ़ना है मोनोकल्चर फार्मिंग क्या होती है, इसको यूज़ करना, फिर और भी चीज़ें, उनको खाना मारना, उनकी स्किन के लिए उनको किल करना, इन सब चीज़ों से कम कहीं ना कहीं हुआ है। सम ग्रीन शूटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर द एप्लीकेशन टू द, मतलब कि टेरिटरी ऑफ इंडिया, एप्लीकेबल टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हमारे जो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत में लागू होता है, वो हमें गिव करता है कि देम राइट टू इम्पोज द ऑब्लीगेशन एंड रेगुलेट द ह्यूमन अफेयर, ये होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन सिग्निफिकेंट बोलता है कि जो हमारी चीज़ें बाइंडिंग करता है, लीगल ऑब्लीगेशन, वी क्या बाइंडिंग करता है, वी आर आउट टू आवर फ्यू जो फेलो स्पीसीज हैं जो हमारे साथ हैं, उनको साथ में लेके चलना। अगर आप इन्वायरमेंट के क्लॉज देखोगे फंडामेंटल राइट्स में, ड्यूटीज़ में, और उसके बाद DPSP में आपको देखने को मिलेंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उसमें है। आर्टिकल जो 21 है वो राइट टू लाइफ आपको नहीं देता, राइट टू लाइफ और भी चीज़ों को देता है, और सुप्रीम कोर्ट समय समय बता चुका है कि स्पीसीज़, इवन गंगा को उसने राइट टू लाइफ मतलब इधर से जिंदा लिविंग चीज़ का दर्जा दिया है कभी कई बार सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये सब चीज़ों की उसने बात की। राइट ऑफ द नेचर लॉ, सितंबर 2008 में इक्वाडोर जो है बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिकोगनाइज राइट ऑफ द नेचर इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। राइट ऑफ नेचर, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है नहीं है, पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं बात करता है, पर फिर भी हमें जरूरत है राइट ऑफ नेचर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बोलिविया ने लेके आई 2010 में, जो आपके पिट्स पर गया, पेंसिल्वेनिया है, ये जो स्टेट हैं कहाँ पे, US के अंदर, ये भी अपने आप म्यूनिसिपैलिटी जो है इनकी, वो राइट टू नेचर एक्ट लेके आई US के अंदर। तो ये है कि फर्स्ट स्टेप, दिस लॉ एम्पावर द पीपल इन द कम्युनिटी टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ द माउंटेन स्ट्रीम फॉरेस्ट इकोसिस्टम, एडवोकेट फॉर द राइट ऑफ द लोकल कम्युनिटी, मतलब सब चीज़ों को एक तरह से इंक्रेज करती है कि हम सब साथ आके, जो लोकल कम्युनिटी साथ आके इस सब चीज़ों पर वर्क करें। होप मिलती है एक तरह से गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जजमेंट ऑफ द कोर्ट डेट फिट इन द ग्रेट इंडियन बुचर, जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ को रोकने के लिए। हमें पढ़ना है इस प्राणी के बारे में, ये प्राणी जो है, ये जो प्राणी है इसके बारे में पढ़ना है।
ये देखो कितना सुंदर प्राणी है, रंग बिरंगा सुंदर एकदम। तो ग्रेट इंडियन बुचर्ड इसको बोलते हैं। ये स्टेट बर्ड है राजस्थान की, बहुत अच्छी बात है। राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान गुजरात में उसकी स्टेट बर्ड भी है। बचाने के लिए उन्होंने स्टेट बर्ड बनाया इसको। ये क्या है कि क्रिटिकल एंडेंजर बर्ड है, क्रिटिकल सी आर की कैटेगरी में आती है IUCN की। इट्स कंसिडर फ्लैगशिप ग्रासी मतलब ग्रासलैंड जो स्पीसीज है, मतलब ग्रासलैंड में रहती है कि ऐसी घासें होती हैं, देखो ये पूरी ऐसी घासों में इसको रखता है। इसकी पॉपुलेशन जो है कन्फाइड है राजस्थान गुजरात में, और थोड़ी बहुत उसकी पॉपुलेशन महाराष्ट्र में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में देखी गई है, पर ज़्यादा जो पॉपुलेशन है बची कम है। उसके बाद जो उसकी पॉपुलेशन जो मोस्टली कहाँ पर मिलती है वो राजस्थान के साइड मिलती है। ये थ्रेट क्यों है ऐसे, मतलब प्रॉब्लम क्यों है? एक तो ये टकरा जाती है किस चीज़ से, जो इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब कि लाइट्स होती है ना, पावर ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं, वो बड़े बड़े टावर देखे होंगे उन पर जो तारें रहती हैं उनसे टकराती है, उनसे टकराने से इनकी डेथ होती है मोस्टली। सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर भी यही बोला है। हंटिंग लोग इनकी, कुछ कुछ लोग खाते भी हैं, जैसे इनको पाकिस्तान वगैरह जगह में हैबिटेट लॉसेस हैं, भैया आपने घर बना लिया इनके एरिया में, हैबिटेट लॉसेस हो गया। फिर अल्ट्रेशन एज ए रिजल्ट ऑफ द वाइड स्प्रेड एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, कि जैसे एग्रीकल्चर एक्सपेंशन होता जा रहा है इनके हैबिटेट लॉसेज होते जा रहे हैं, इनकी जगह इनके घर आपका घर तोड़ देगा, आपको भगा देगा, वो कैसा लगेगा? तो वही सारी चीज़ इनके साथ हो रही है। तो कुछ प्रोटेक्शन स्टेटस हैं, जैसे IUCN की जो लिस्ट आती है, रेड डाटा लिस्ट इसको बोलते हैं, रेड डाटा लिस्ट बोलते हैं, इसमें क्रिटिकल एंडेंजर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जाएगा कभी भी। फिर जो आपकी साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज विद फौना एंड फ्लोरा, अगर आप जैसे मुझे इस स्पीसीज को बाहर भेजना है किसी कंट्री को किसी भी चीज़ के लिए, वहाँ पे साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए, या फिर उसको वहाँ पे उसको बढ़ाने के लिए अपनी पॉपुलेशन, तो इस साइट जो इंटरनेशनल बॉडी है इसके अंदर आपको नोटेड देना होगा। फिर ये क्राइटेरिया सेट करती है कैसे आप चीज़ों को भेजोगे, कैसे उसे रखोगे, ये से चेक करती है। फिर कन्वेंशन ऑन द माइग्रेटिंग स्पीसीज, इसे अपेंडिक्स वन में रखा है। माइग्रेटिंग मतलब कि माइग्रेटरी क्या है, कि इसे कुछ बर्ड सैबी से आती हैं इंडिया के अंदर, या फिर ऑस्ट्रेलिया से आती हैं, इधर से आती हैं, उधर से आती हैं, यहाँ से बाहर जाती हैं, तो उन सब चीज़ों का जो हैबिटेट है जो ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे मेंटेन रखना, तो उसमें भी रखा गया है इसे अपेंडिक्स वन के अंदर। फिर हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है शेड्यूल वन के अंदर, तो आपको मारना इसको बहुत बड़ा अपराध है ऐसा सोच लो। अब इंडियन कंसर्न्स क्या है कि ग्रासलैंड हैबिटेट जो है आपके, जो आपके चालकोलिथिक डेजर्ट है, फिर जो जगह है इनकी सब चीज़ों में, जो राजस्थान डेजर्ट नेशनल पार्क है, ये सब जो जगह है वहाँ पर इसकी पॉपुलेशन को और बढ़ाना, ये सब करना है। जो DNP इज द सिचुएटेड नियर द टाउन ऑफ जैसलमेर बारमेर, ये जगह जो है थार डेजर्ट, यहाँ पर इनकी चीज़ें हैं, हैबिटेट लॉस हो रहा है, ये सब चीज़ों को देखते हुए इनको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर 1981 में प्रोटेक्शन दे दिया गया कि मतलब नहीं, अब आपको इनको सेव करना है, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट भी नहीं होगा। फिर राजस्थान शेयरिंग द इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान, सिंध, पंजाब प्रोविंसेस, ठीक है, बर्ड बिकम ईजी एंड गन टूटिंग, मतलब पोचिंग हो जाती है, उधर चली जाती है, मार देते हैं लोग, क्योंकि वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन कम है, वो भी एक इशू आता है। फिर हंटिंग ऑफ द रेयर बर्ड विल नॉट ओनली ड्रास्टिकली रिड्यूस द GIB पॉपुलेशन बट ऑल्सो अफेक्टेड द डेजर्ट इकोसिस्टम, बहुत बड़ी बात है। अगर ये नहीं है कि इसको हार्मफुल करेंगी, अदर सिस्टम को भी हार्मफुल करेंगी। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए, रिकवर प्रोग्राम चलाया जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने है, उन्होंने लॉन्च किया कि हैबिटेट इम्प्रूवमेंट कंजर्वेशन ब्रीडिंग ग्रेट इंडिया बूस्टर्ड एज ए इंटीग्रेटेड अप्रोच प्रोग्राम चलाया कि इनकी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बूस्टर्ड, उसमें एम के कंस्ट्रक्टिंग करना ब्रीडिंग, मतलब कि ब्रीडिंग इंक्लोजर स्पीसीज डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर रिड्यूस द ह्यूमन प्रेशर ऑन इट्स हैबिटेट, तो मतलब क्या है कि इनकी ब्रीडिंग करने के लिए कुछ भी आप कर सकते हो, तो उनको डेवलप करने के लिए कुछ प्रोग्राम हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफर किए, सेंट्रल और स्टेट ने दोनों। तो यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है। दूसरी आती है ग्राउंड जीरो, हम नहीं पढ़ेंगे, जो लोगों की डेथ हुई है, 60 लोग मर गए हैं एक्सेस ऑफ रेन, वो सारा कुछ है। दूसरी आती है कि डाटा प्रोटेक्शन बिल है जो बात चल रही है उस बिल को लाना चाहिए, तो वो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास है, वो अपनी रिपोर्ट रखेगी, तो हम पढ़ेंगे जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एक प्राइवेट मेंबर है यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक बिल लेके आए हैं, फिर उसके कुछ जो मेंबर हैं दूसरी पार्टी के CPI के, वो अगेंस्ट गए। अगेंस्ट क्यों गए? उन्होंने बोला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या मतलब क्या है, आर्टिकल 44 आता है DPSP के अंदर, इसका मतलब क्या है कि सबके लिए सेम कानून, कोई भी रिलीजन हो, जैसे हिंदू कोड मैरिज एक्ट होता है, और उसके बाद मुस्लिम शरिया लॉ का मैरिज एक्ट अलग होता है, और उससे अलग आपका स्पेशल मैरिज एक्ट है 1956। तो ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, इरेस्पेक्ट ऑफ योर रिलीजन, कास्ट, कुछ भी हो, आप किसी भी कंट्री से हो, इसके अंदर शादी कर सकते हैं 1956। तो ये एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का चीज़ें हैं ये।
पर यहाँ क्या हिंदू कोर्ट से भी होती है, मुस्लिम से भी होती है, क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स अपने से करते हैं, तो वो सारी उनकी अलग चीज़ है। तो ये हो गए अलग से। तो यही है कि अब हमारा देश क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर है, हर का देश में अलग तरीके चलता है। शेड्यूल 6 तो अपने तरीके से करते हैं, शेड्यूल 5 वाले अपने तरीके से करते हैं, तो हर आदमी अपने तरीके से अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करता है। फिर हमारा रिलीजन खुद बोलता है आर्टिकल 25, 26, 27 खुद बोलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप प्रोफेस कर सकते हैं अपने रिलीजन को। तो उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड एक अगेंस्ट है, क्योंकि यूनिफॉर्म है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो नहीं है, प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। प्राइवेट मेंबर देखो इसमें क्या लिखा है, प्राइवेट मेंबर बिल कौन लेके आए, बीजेपी के एम की किरोड़ी लाल मीना ये बिल लेके आए। अरे बीजेपी के हैं तो प्राइवेट कैसे है, गवर्नमेंट का पार्ट है वो तो नहीं, अंतर बताऊंगा क्या होता है। तो ये लास्ट में चलेंगे। फिर राइज इन द एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट, अभी क्या हो रहा है कि रेनफॉल बढ़ रही है, पर जो आपका नॉर्थ वाला एरिया है, देखो इधर वाला एरिया इसमें ग्रीन है, यहाँ पे घट रही है, पर एक्सेसिव कहाँ पे देखा जा रहा है, साउथ वाले रीजन में। किसमें क्या हो रहा है, सेम पीरियड द नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया विटनेस द 10% 2% डेफिसिट रेस्पेक्टिवली, पर नॉर्थ ईस्ट जो है उसमें 14% देखा गया, पर जो साउथ वाला रीजन है वहाँ पे कहीं से एक्सेसिव रेनफॉल देखा जा रहा है। ये क्या चल रहा है सारा सिस्टम, ये सारा सिस्टम चल रहा है जो इंक्रीज हुआ है, जो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हुई है साइक्लोन की अरेबियन सी के अंदर पास्ट 2 decade 20 साल के अंदर जो फ्रिक्वेंसी हुई है 52% इंक्रीज हुआ है इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन ओवर द अरेबियन सी 2001 से 2019 तक 8% डिक्रीज हुआ है ओवर बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो अब सारा सिस्टम इधर घूम के आ गया, इधर के साइड यहाँ साइक्लोन बनते हैं तो बारिश इधर ज़्यादा होती है। वैन द हिस्टोरिकल मोस्ट ऑफ द साइक्लोन हैज़ बीन, पहले कहाँ था, बेस्ट बे वे ऑफ बंगाल में आते थे, पर अब सारे जो साइक्लोन है इधर भर गए हैं, चीज़ चेंज हो गई है। तो यही एक रीज़न है ज़्यादा बारिश इधर होने का। और बड़े इधर उधर क्यों हो रहा है कि बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिकल चेंज इफेक्ट हर जगह देखा जा रहा है। अब UN के सेक्रेटरी हम इंडिया में आएंगे बात करेंगे, जब ये आएंगे उनके पहले इनके बाद में बात हम करेंगे। ये आप पढ़ लेना, एक कमेटी बनाई गई है क्लाइमेटिकल एक्शन प्लान के लिए, देखते हैं क्या वो काम करती है। फिर ये कोई चीज़ है। ये दूसरी न्यूज़ जो आती है वो आती है आपकी गेट कीपर मॉडल। ये क्या किया गया, जो लोग जेल में कैद रहते हैं, एक तो हमारी जेल में ओवरबर्डन, ओवर क्राउडेड, इतनी सारी चीज़ें हैं हमारी ऑलरेडी, और जेल के अंदर और क्या चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं कि मेंटल डिसऑर्डर, जो हमारे कैदी हैं जेल के अंदर रहते हैं वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं, एक रिपोर्ट बताती है। ऐसा एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस है, ये एक गेट कीपर मॉडल लेके आए हैं। इसमें ट्रेन टू आइडेंटिफाई प्रिजनर, जो कैदी हैं, टू रिस्क ऑफ सुसाइड, वो ऐसा गेट कीपर मॉडल, गेट कीपर जो ध्यान रखे कैदियों की एक्टिविटीज़ के ऊपर, कि ट्रीटमेंट अगर उसे लग रहा है कि सुसाइड ना कर ले, कुछ ना कर ले, उस पर ध्यान रखे, उसे बचाए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का ये इंस्टीट्यूशन है, नेम्स इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंप्रूवमेंट इशू ए गाइडलाइंस इशू की हैं, उसने क्या किया कि आपका मैनेजमेंट जो मेंटल हेल्थ है प्रॉब्लम है कैदियों के अंदर और जो उनका स्टाफ्स है उनके अंदर, उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। जो बेंगलोर प्रिजनर मेंटल हेल्थ स्टडी की गई, उसने एक स्टडी की, किस बेंगलोर प्रिजनर मेंटल हेल्थ ने स्टडी की, और स्टडी में पाया गया, क्या पाया गया स्टडी के अंदर, कि जो हमारे मेंटल इलनेस है इतनी बड़ी है, जो 80% जो पॉपुलेशन है उनके अंदर ये प्रॉब्लम देखी जा रही है, 80% जो आपके कैदी हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम है। क्यों, एक दीवार में कैद रखना, ऐसा उसके साथ व्यवहार करना, ये सब चीज़ उसकी वजह से। तो ये गाइडलाइन इशू की हैं कि एड्रेस करना है इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए एक तरह से गेट कीपर मॉडल, कि गेट कीपर मतलब कि गेट कीपर एक वॉच डॉग होता है, चीज़ों पे एक्टिविटी पे ध्यान रखता है, उसे लगता है अगर उसे हम ट्रेन करेंगे, बताएंगे कि ऐसे ऐसे एक्टिविटी होगी तो इंसान पे ध्यान रखना है और जल्दी से जल्दी बताना है, तो ध्यान रखेगा, ये सारी चीज़ है। एक बड़ी सिस्टम भी आता है, बड़ी सिस्टम क्या, एक सोशल सपोर्ट थ्रू द ट्रेन प्रिजनर, कुछ जो ट्रेन प्रिजनर होते हैं कैदियों ने, ट्रेन करो उन्हें, बड़ी मतलब बोलते हैं मेरे साथ का बड़ी, हाय बड़ी, ये वो, हाय गाइस, ये दिस थिंग, तो वो बड़ी मॉडल बनाने के लिए उसके साथी जो है उसको ही ट्रेन करो, जो अच्छा हो उसको ट्रेन करो, गुड इंपैक्ट पड़ेगा उसकी वेलबींग सुसाइडियल प्रिजनर पे। फिर उसके प्रिडिक्ट के लिए उसको टेलीफोन पे बात करने दिया करो कैदी को, अपने घर को एटलीस्ट बात कर ले, ठीक है ना, फैमिली फ्रेंड से, तो एक तरह से सपोर्ट मिलती है, चीज़ों पर कम्युनिकेशन बढ़ता है ना। मेंटल डिसऑर्डर क्यों होता है, जब एक आपका पेंडेमिक टाइप पे मेंटल डिसऑर्डर क्यों बचा, भाई हम मेरे शहर में थे, गांव था, शहर था, सब मिलजुल के रहते थे, वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं देखी गई, पर जो बड़े बड़े शहर होते हैं लोग इंडिविजुअली एक फ्लैट में बस एक कैद होकर रह जाते हैं, इवन ऊपर नीचे के लोग उसे डिस्क्रेस करते हैं, बात नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो एक तरह से घर के अंदर ही क्रिएट होता रहता है मेंटल डिसऑर्डर, ही बढ़ता है, इन सब चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। इस शहर में ज़्यादा होगा अर्बन में मेंटल डिसऑर्डर इन कम्पेयर टू रूरल एरिया। कम्युनिकेशन नहीं होना कि गाइडलाइंस क्या, ऑल द स्टेट मानेगी ये वो सब सब्जेक्ट, अपने प्रिजनर को इस सब चीज़ों पे घर भी प्लीज़ बात कराओ। अब ड्यूअल प्रॉब्लम फेस कर रहा है हमारा जो जेल वाला सिस्टम है ना, वो ड्यूअल, एक तो स्प्रेड ऑफ वायरस से बचाना और दूसरा ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जो है
इससे सेव करना। अब जो ये जेल वाला सिस्टम है ना, जो हमारी जेल है वो आती है स्टेट लिस्ट के अंदर, शेड्यूल 7 की स्टेट लिस्ट के अंदर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी इंप्लीमेंट इस चीज़ को करने के लिए। तो मैं और भी चीज़ें बताऊंगा अपने नोट से जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें ऐड की हैं। आगे चलते हैं, दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है तिब्बत से रिलेटेड। अभी जो आपका निंगची अभी जो जिंगपिंग है, इन्होंने दौरा किया है अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर से 10 किलोमीटर जो चाइना की तरफ जो तिब्बत एरिया है उसकी कुछ स्टेट उसकी कुछ सिटीज़ के अंदर, और वहाँ पे जो एरिया क्या नैंग रिवर ब्रिज इंस्पेक्शन किया है, जो आपका यारलुंग जेंगबो रिवर ब्रह्मपुत्र का ही दूसरा नाम है, जब चाइना में बहती है फिर वो दिहेंग से अंदर मुड़ती है, ठीक है, दिहेंग से अंदर मुड़ती है फिर आगे चल के ब्रह्मपुत्र बन जाती है, जिसमें और रिवर मिट जाती है। तो उस रिवर को वहाँ क्या बोलते हैं, यारलुंग जेंगबो रिवर बोलते हैं। कहाँ से निकलती है, मानसरोवर से निकलती है, उसकी राकास लेक से निकलती है, उसकी राकास से निकलती है, राकास से आपकी कौन सी निकलती है, चलो आप कमेंट में बताना, राकास से ये निकलती है या फिर आपकी वो निकलती है, आपका दूसरी रिवर है, और भी रिवर है, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। ये राकास से ब्यास से कौन सी मिलती है, ब्यास किस में जाके मिलती है, शायद वो निकलती है राकास से, चलो हम देख लेंगे एक बार राकास से कौन सी निकलती है। राकास से पहले निकलती है मानसरोवर माउंटेन्स एरिया से, ये आपकी तो ये सारी जगह है। उन्होंने यहाँ पे नयांग सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटी है जो ब्रह्मपुत्र की है, जो उस रीजन में है, ये सब चीज़ें। फिर ये बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, जो लासा जगह है वहाँ से नियांग को कनेक्टेड करेगी बॉर्डर एरिया अरुणाचल प्रदेश का, जो डेवलपमेंट कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं इंडिया पे ऊपर क्वेश्चन देखा जा रहा है। फिर ग्रैंड बनाएंगे वहाँ पे यारलांग जेंगपो रिवर पे, जो है ग्रेट कायोन बनता है वहाँ पे, डैम वैम की बात करेंगे, ये चीज़ें उसके अंदर है। फिर यूएस ने चाइना पे इम्पोज किया, चाइना ने इम्पोज किया सेंक्शन यूएस के ऊपर, बस ये आपस में लड़ते रहते हैं, ट्रेड वॉर चलती रहती है, वो उसके ऊपर सेंक्शन। फिर AGR के बारे में पढ़ेंगे, AGR क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया टेलीकॉम ने PIL ऑन द AGR के ऊपर। फिर ई कॉमर्स गाइडलाइंस मैंने आपको पढ़ाई दी थी, दोबारा किसी दिन दोबारा रिपीट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये ख़त्म हो जाती हैं और इंडिया को पहला मेडल मिल चुका है। तो हम आते हैं अपने हिंदू जो नोट्स हैं अपने उसके ऊपर आते हैं। जस्ट वेट अ मिनट, नोट्स के ऊपर आते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी क्या होती है। एक जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी होती है सेटअप बाय द एग्जामाइन द पर्टिकुलर बिल बिफोर द पार्लियामेंट, कोई इस पर जुडिशियल लेना, ये इन्वेस्टिगेशन, जैसे कोई बिल लेके आए वो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास भेज देंगे। जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी मतलब कि दोनों सदन, जो राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के इसमें MP होंगे, जॉइंट पार्लियामेंट दोनों सदन के इसमें MPs होंगे, एक्सपर्टीज होंगे, वो जिस पर बात करेंगे कि बिल में ऐसा चेंजेस होना चाहिए, अपोजिशन के भी होंगे, सबके होंगे, बिल ऐसा होना चाहिए, कुछ चेंजेस ये होने चाहिए। एक तरह से एडहॉक बॉडी है, परमानेंट बॉडी नहीं है। एडहॉक मतलब अगर कोई बिल आया, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनानी है, बस ठीक है बनाओ 10-12 MPs की, वो कौन डिसाइड करता है कितने इसके मेंबर होंगे, वो डिसाइड करता है डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, कमेटी मेंबर इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, कोई फिक्स नहीं है कितने इसमें आदमी रखने हैं। कंपोजिशन क्या था, सेटअप द जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी, मोशन पास बाय वन हाउस एंड सपोर्टेड बाय द अदर हाउस, एक मोशन पास किया जाता है, सेटअप बाय द गिवन ऑर्डर ऑफ द टाइम, उस टाइम पे बनाई जाती है, ऑर्डर लेके आते हैं बना देते हैं। अब इसमें मेंबर कैसे होते हैं, जितने मेंबर इसके राज्यसभा के होते हैं ना उसके जस्ट ट्वाइस मेंबर, देर इज़ द ट्वाइस एज मैनी लोकसभा मेंबर एज राज्यसभा, मतलब ट्वाइस मेंबर डबल होते हैं लोकसभा के मेंबर, जब 10 रखोगे तो 20 लोकसभा के, ऐसे इसमें फंक्शन करते हैं। अब पावर फंक्शन वही होते हैं, कलेक्ट करना एविडेंस ओरल रिटन फॉरम में, चेक करना बिल कैसा है, क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, डिसीजन ठीक लिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि सब चीज़ों के इसमें चीज़ें होती हैं। स्पीकर हैज़ द फाइनल ऑर्डर इन द केस ऑफ डिस्प्यूट ओवर द कॉलिंग ऑफ एविडेंस, तो द कमेटी इन्वेस्टिगेट करेगी इसके ऊपर, सब समन करेगी और ये सब चीज़ें बाद में पार्लियामेंट के बाद में रिपोर्ट इसकी रख दी जाएगी, चलो ठीक है बिल को पास कर दो, चेंजेस वेंजेस हमने कर लिए। तो इसके जॉइंट जो आपको याद रखना है, पार्लियामेंट कमेटी एडॉक है, मेंबर डिसाइडेड पार्लियामेंट करती है, ऐसे मेंबर होते हैं, और एडॉक मतलब उसी टाइम पर बनती है जब वो काम खत्म हो जाता है, डिसॉल्व हो जाती है, ये सारी चीज़ इसमें है। अब आता है प्राइवेट मेंबर बिल, एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज़ नॉट ए मिनिस्टर, अगर वो मिनिस्टर नहीं है, जो 15% मिनिस्टर होते हैं ना, जितने मिनिस्टर हैं, जो मंत्री हैं, मंत्री के अलावा चाहे MP भी हो BJP का, कोई भी MP हो, अगर वो कोई बिल लेके आता है तो उसे प्राइवेट मेंबर बिल रेफर किया जाता है। तो प्राइवेट मेंबर बिल, प्राइवेट पर्पोज़ क्या करता है कि प्राइवेट मेंबर बिल लेके आया, गवर्नमेंट अटेंशन देता है कि नहीं ये वाला बिल आना चाहिए, लीगल फ्रेमवर्क तैयार करता है, बिल तैयार करता है, पार्लियामेंट के सामने रखता है। फिर उसमें दस द रिफ्लेक्टेड द स्टैंड ऑफ अपोजिशन पार्टी इन पब्लिक मैटर, अगर उसे कोई अपोजिशन पार्टी फेवर कर सकती है, कुछ भी कोई भी उसे बिल्कुल आ सकता है, तो अगर फेवर भी उसे कर सकते हैं, कुछ उसमें चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ।
जो ड्राफ्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो एक मेंबर की होगी जो बिल लेके आ रहा है, ठीक है। इंट्रोड्यूस इन द हाउस रिक्वायर 1 month नोटिस, अगर मुझे कोई प्राइवेट मेंबर बिल रखना है तो 1 month पहले नोटिस देना होगा मुझे, ये चीज़ है। पर गवर्नमेंट लेके आएगी वो तो हाल फिलहाल में नोटिस देगी, अगले दिन बिल भी लेके आ जाएगी, पर प्राइवेट मेंबर पहले नोटिस देगा 1 month पहले। गवर्नमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस एंड द डिस्कस ऑन एनी डे, जो गवर्नमेंट बिल है वो कभी भी डिस्कस किए जा सकते हैं, कभी भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, पर प्राइवेट मेंबर बिल है वो इंट्रोड्यूस एंड डिस्कस ओनली ऑन फ्राइडे, जुम्मे के दिन होगा, फ्राइडे के दिन होगा बस, ठीक है। ये भी है रिजेक्शन बाय द हाउस, अगर रिजेक्ट हाउस कर देता है तो इम्प्लीकेशन नहीं होगा कि पार्लियामेंट कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट का कम है, गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना है, ऐसा नहीं। अगर बीजेपी के एमपी ही लेके आते हैं, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आए हैं बीजेपी के एमपी हैं, करोड़ी लाल मीना एमपी हैं, प्रपोज किया है इन्होंने, अगर ये कॉन्फिडेंस पास नहीं करता, पास नहीं होता पार्लियामेंट से, इसका मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट डिसॉल्व करेगी। उसमें क्या है कि क्या बोलता है आर्टिकल 70 में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कॉन्फिडेंस चाहिए, जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए, मिनिस्टर्स एक साथ रहने चाहिए, ठीक है। और फिर ये वो सब बहुत सारी चीज़ें, पर इस ये गवर्नमेंट रिजाइन का कारण नहीं बनेगा, ये कुछ चीज़ें हैं। फिर इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, अपॉन द कंक्लूजन डिस्कशन होता है इसमें कि विड्रॉल ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मिनिस्टर कंसर्न, ये वो सब चीज़ें। लास्ट टाइम द प्राइवेट मेंबर बिल जो पास किए गए थे दोनों हाउसेस 1970 में किया गया था, उसके बाद कोई भी आज तक प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हुआ। इट वॉज द सुप्रीम कोर्ट जुडिशन में 1968 में आया था, क्रिमिनल एपिलेट ये वाला बिल पास हुआ था, और अभी तक 14 प्राइवेट मेंबर बिल पास हो चुके हैं, 5 ऑफ देम इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा एंड उसके बाकी बचे हुए तो लोकसभा में पास हुए होंगे। तो कुछ बिल है, ये बिल है, सम ऑफ द प्राइवेट मेंबर बिल हैज़ बिकम लॉ, इंक्लूड इंट्रोड्यूस कितने किए गए, 14 बिल किए गए हैं, इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उसमें से कुछ लॉ बने हैं जिनका नाम क्या है कि प्रोसीडिंग लेजिस्लेशन बिल 1956, द सैलरी अलाउंसेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल 1964, इंडियन पीनल कोड 1967 इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, जो लॉ बने हैं। देखो इतने 14 आए हैं अब तक, 1970 से अब तक कोई भी बिल पास नहीं किया गया अभी तक, 1970 से अब तक, उसी टाइम पे किया गया था। फिर राइजिंग में पढ़ाई चुका हूँ आपको रेल, फिर ये भी बता चुका हूँ रेल मतलब जो हमारी प्रिजनर कंडीशंस हैं हमारे यहाँ भारत में। अभी बोला गया कि 1350 हमारे यहाँ फंक्शनल जेल है इंडिया के अंदर, जिनके अंदर 4.71 लाख पॉपुलेशन है, जो कैपेसिटी है हमारी 4 लाख है, और 78,000 एक्स्ट्रा हैं। ये है कि इसमें से 4.3 वुमेन्स हैं, इसके अंदर 6.93 आपके कौन से हैं जो उसमें आपकी जो ट्रायल चल रहा है जिनके ऊपर ट्रायल केस चल रहा है अभी साबित नहीं हुआ, और 30% ऐसे लोग हैं जो क्राइम में साबित हो चुके हैं। तो आप देख सकते हो 30% लोग हैं, उसके बाद 70% लोग तो ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी चल ही रहा है मुकदमा। नीट क्या है इसके अंदर, एक तरह से ओवर क्राउडेड है, अंडर स्टाफ है, अंडर फंक्शन है, हाइजीनिक नहीं है, प्रॉपर हाइजीनिक नहीं है। यूएन कन्वेंशन डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रिजनर रिफॉर्म्स, जैसे किम डे आपका फ्रॉम द डेनमार्क को एक्यूज द मतलब प्यूरलिज्म ड्रॉप केसेस, ये सब है, प्यूरिला आर्म्स ड्रॉप केस है, उसके बाद 4 फंडामेंटल राइट्स हैं अंडर ट्रायल के ऊपर, ये सब चीज़ लाइक टू लिबर्टी, फ्रीडम मूवमेंट, ऑक्यूपेशन, ये सब चीज़ को हार्म करते हैं। फिर नेशनल जो आपकी ह्यूमन राइट काउंसिल है फिगर आउट कर चुकी है कई बार, फ्रेंडली है 50% मोर चांस कमिटेड सुसाइड, ये सब चीज़ें हैं, वाइल 33% कि मतलब जो आप फ्रेंडली नेचर रखोगे, ये सब चीज़ें रखोगे तो कम केसेस होते हैं इन सब चीज़ों के। फिर चैलेंजेस क्या हैं रिफॉर्म्स के लिए, प्रिजनर इन द स्टेट सब्जेक्ट में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है स्टेट नहीं मानती है। फिर प्रिजनर एक्ट 1894 है जो गवर्न करता है जो आपकी जो प्रिजनर्स हैं, इस मॉडिफिकेशन इज नॉट देन द सेंचुरी ओल्ड, फोकस मोर कीपिंग, मतलब एक तरीके से क्या है कि जो आपका प्रिजनर एक्ट है वही इतना पुराना हो चुका, उसको थोड़ा मॉडर्नाइज करो, ये सब चीज़ों की। फिर कमेटी बहुत सारी बनी है, जस्टिस मूला कमेटी, जस्टिस वी आर कृष्णा लय्यर कमेटी जिसने रिफॉर्म्स के बारे में बोला है, ठीक है ना, उसके बाद और भी कमेटी हैं, ड्राफ्ट कई बार पॉलिसी ला चुके हैं, उसमें कोरिलेशन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए ये आप पढ़ लेना। फिर जस्ट अमृत व रॉय पैनल इसके ऊपर बना था, ये लेटेस्ट है 2018 में बना था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे फोकस करके अच्छे से, ये आप लिख भी सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड ए पैनल, ए कमेटी सबमिट इज रिपोर्ट अभी फरवरी 2020 को ही रखी है इसने, कि मेजर रिकमेंडेशन क्या है इसके अंदर ओवर क्राउडेड कम करने के लिए, कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ, जो 70% आपने अंडर ट्रायल वाले बंद कर रखे हैं, फास्ट ट्रैक केस होगा या तो बाहर होंगे या अंदर होंगे, ये थोड़े बहुत तो कम होंगे, ऐसी कोर्ट बनाओ। फिर जो लॉयर और प्रिजनर रेशियो है, जैसे एक वकील है 100 केसेस ले रखे हैं, तो वही डॉक्टर और पेशेंट का जो है, तो ऐसे लॉयर और कैदी का भी होना चाहिए, कि जो एक कैदी पे होने चाहिए कम से कम 30 कैदी, मतलब एक वकील पे 30 कैदी वाला रेशियो होना चाहिए, 1:2
30 का रेशियो मेंटेन होना चाहिए, ये नहीं कि एक में 100 ले रखे हैं। फिर अंडर स्टाफिंग जो है वो स्टाफिंग बढ़ाओ, रिक्रूटमेंट करो, भर्ती करो लोगों को, जो स्टाफ है उसको बढ़ाओ। फिर ट्रायल कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी चलाओ, कोई कैदी ऐसा है उसे बाहर ले जाने के लिए बहुत फोर्स लग रही है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप कर सकते हैं, तो ये स्टाफ की बात की है। फिर प्रिजनर कैदियों के ऊपर क्या करना चाहिए, इन्हें फ्री कॉल ए डे, एक दिन में अपने घर में फैमिली मेम्बर से बात कर पाए, या फिर उन्हें घर वाले देखने आ सके वीक में एक बार, ये सब चीज़ें। अल्टरनेटिव पनिशमेंट शुड बी एक्सप्लोर, कुछ और पनिशमेंट भी एक्सप्लोर करो कि अल्टरनेटिव, जैसे ओपन जेल सिस्टम दे सकते हो, कोई ऐसा कैदी जिसे गलती से हो गया, लगता है ज़िंदगी में उसने कोई कानून नहीं किया, अच्छे काम भी किया, तो उसको ओपन जेल में भेज सकते हो, समय समय पैरोल दे सकते हो, 10 दिन के घर जाके रह ले, इन सब चीज़ों पर काम कर सकते हो। फिर दूसरी जो आती है वो आती है एडजस्टिस ग्रॉस रिवेन्यू। एडजस्टिस ग्रॉस रिवेन्यू क्या होता है, देखो ये टेलीकॉम सेक्टर है, ये वोडाफोन है, वोडाफोन का बहुत लंबा केस था इसका, वोडाफोन है, ये जितना रिवेन्यू कमाता है कॉलिंग से इस सब से उसका टैक्स भरेगा, जितना सर्विस से करता है। पर एडजस्टिस ग्रॉस रिवेन्यू में गवर्नमेंट क्या करती है, एडजस्ट ग्रॉस रिवेन्यू है क्या, इट इज़ ए यूज़ लाइसेंसिंग फी टेलीकॉम ऑपरेशन चार्ज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, इट डिवाइड इनटू द स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस, स्पेक्ट्रम का यूज़ करते उसके चार्जेस, लाइसेंसिंग फी, फिर कुछ भी हो गया, 3-5% and 8% रेस्पेक्टिवली, ये सारी ये चीज़ें सर्विस से रिलेटेड। गवर्नमेंट क्या करती है इसमें, क्या कर देती है इसमें, बोलती है जो आपने सारा रिवेन्यू, ये तो इंक्लूडिंग आपने टेलीकॉम से कमाया या फिर नॉन टेलीकॉम सेक्टर से आपने कमाया, मतलब कि नॉन टेलीकॉम कैसे, जैसे आपने कोई ऑफिस खोल दिया, शहरों में वोडाफोन के ऑफिस होते हैं, वहाँ पे आप सर्विस तो सिम तो प्रोवाइड करवा रहे हो, सर्विस तो प्रोवाइड करा रहे हो लोगों को, आप फ़ोन बेचना भी आपने स्टार्ट कर दिया और छोटा छोटा काम स्टार्ट कर दिया आपने, पेन ड्राइव बेचना भी, ये तो एक नॉन टेलीकॉम रिलेटेड चीज़ें हैं ना, डिपॉजिट ऑफ द इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें, एसेट सेल कर रहे हो आपने, बेचा खरीदा ये सब चीज़ें की, उनका भी आपने रिवेन्यू जनरेट किया, नहीं आप सब चीज़ पर टैक्स दोगे, तो ये कोर्ट में चले गए, कई बार हार भी चुके हैं, PIL कई बार कर चुके हैं, तो 2015 में टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपलेट ट्रिब्यूनल बनी, इसमें रूल किया गया कंपनी, डेफिनेशन दी गई राइट्स की। हावेर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइडेड किया था जजमेंट, लेकिन गवर्नमेंट डेफिनेशन डिफाइन करो क्या है, तो ADR आपको समझ में आया, ADR क्या है, नॉन टेलीकम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन की जितनी भी चीज़ें आप करते हो उसका टोटल रिवेन्यू दोगे, उसको एडजस्टिस ग्रॉस रिवेन्यू बोला गया। फिर कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, सर्वे आए हैं, जैसे UN ट्रेड का सर्वे आया, उसने बोला है कि जो इंडिया की बेटर हुई है, जो ट्रेड है फैसिलिटी इंडिया की अच्छी हुई है, इंडिया ने अच्छा स्कोर किया है, और इंडिया ने अच्छा स्कोर किया, फिर ये बंद हो गया है, सॉरी, ये कहाँ बन गया, सॉरी एक मिनट बन गया बस, इंडिया ने अच्छा स्कोर किया है इसके अंदर, तो इंडिया का सर्वे कराया गया, तो आपको याद रखना है कि कम्युनिकेशन ऑफ द एशियन पैसिफिक ग्लोबल सर्वे डिजिटल सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटी का सर्वे कराया गया, वो UN ट्रेड ने सर्वे किया, तो आपको बस इतना याद रखना है पोजीशन। फिर लेबर सर्वे कराया गया इंडिया में, सिनेरियो इंप्रूव हुआ है 2019-20 में, आपको क्या पढ़ना है, इसने किसने कराया, नेशनल स्टेटिक ऑर्गेनाइजेशन NSO ने कराया, NSO कराएगा सर, नेशनल सैम्पल सर्वे ने कराया, और ये प्रोडक्टली किया जाता है, इसमें याद रहेगा। देखो तो आपकी 2017 से 18 तक जो आपकी लेबर है, वीकर सेक्शन और लीस्ट सेक्शन है, उसके कहीं ना कहीं लेबर इंप्रूवमेंट हुआ, यानी कि नौकरी उसे मिली है। पर आप UR में देखो, जनरल में देखो, पहले 6.1 था, फिर घट के 5.8 और 4.8, तो इसमें घटा भी है UR सेक्शन में, पर जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो भी इंक्रीज़ हुआ है, वर्क फोर्स जो पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज़ हुआ है, तो ये सब चीज़ें। अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, UR में गलत पढ़ लिया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा कम हुआ है, तो UR कहीं ना कहीं कम हुआ है, पर हमारा जो पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स का है वो बढ़ा है, वर्क फोर्स का भी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ देखा गया है, ऐसा हमारा सर्वे बोल रहा है। अब ये जाने इनकी माया, इनकी कहानी, मंदरे का लास्ट टॉपिक है, फिर चैलेंजेस इन द चाइना, दो लास्ट टॉपिक रह गए, ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है जो चल रही है ना नीचे, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है। प्रेसिडेंट डिक्लेयर द मनरेगा पेमेंट वर्स इन द प्रेम, मतलब प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, फर्स्ट वेव आया ठीक था, सेकंड वेव आया, बहुत लोगों की नौकरी, मतलब लोगों ने काम अपने गाँव में जाके मनरेगा में ज्वाइन किया, करने के बाद क्या हुआ, अब देखा गया कि जो इसमें क्या बोलता है कि अगर 15 दिन तक आपको कोई काम नहीं मिला, मनरेगा आपने ज्वाइन किया 15 दिन तक काम आपको नहीं दिया, तो आपको कंपेंशन दिया जाएगा, उस डिले का कंपेंशेशन दिया जाएगा, यानी कि बेरोजगारी भत्ता आपका, अनएम्प्लॉयमेंट जो वेज है, मतलब वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो आपको इसमें पैसा मिलता है वो दो तरीक़ों से मिलता है,
एक तो होता है आफ्टर द वर्क FTO जो होते हैं, मतलब कि फंडिंग ट्रांसफर ऑर्डर, जो वर्कर्स होते हैं ब्लॉक लेवल, जो पंचायत लेवल होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पोस्ट पहुँचाती है, वो आपको पैसा देती है। एक फैसिलिटी होती है स्टेट, इसमें स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस डाटा को पहुँचाना काम होने के बाद। एक होता है दूसरा प्रोसेस क्या होता है इसमें, द सेकेंड स्टेज, इसमें एंटायरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है पैसा सीधा डायरेक्टली ट्रांसफ़र करना उसके अकाउंट में। ये दो चीज़ें हैं। 8 डेज में पहला प्रोसेस होता है और 7 डेज में दूसरा पड़ी, यानी 14 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा आ जाता है, ऐसा बोला जाता है कि पूरा प्रोसेस होने के बाद। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्कुलेट द चेंज द पेमेंट सिस्टम एंड मेड अ सेपरेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्कुलेशन भी चेंज किया कि SC को कितना पैसा दे रहे हैं, ST को कितना पैसा दे रहे हैं, अदर्स को कितना पैसा दे रहे हैं, सेपरेटली काउंट करने लगे। कई रीज़न बताए गए कि डेवलपमेंट के लिए अच्छा होगा, ST में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितना नौकरी मिल रही है, उन सब चीज़ों को काउंट करने के लिए। पर कहने का मतलब ये इसमें क्या बोल रहे हैं, जो मनरेगा चीज़ें हैं इसमें कितने क्या बोला, एक तो जो आपने जो बजट आया इस साल वाला मनरेगा के लिए वो आपने घटा दिया, लोगों को छोड़ो लोगों को पैसा ही नहीं मिल रहा है। 15 दिन जो आपका सिस्टम है, इस एक्ट में बोला गया कि 15 दिन के अंदर आपको पैसा दिया जाएगा, आपको वेजेस दी जाएंगी, मतलब या फिर नौकरी दी जाएगी, तो वो लोगों को कहीं मिल भी नहीं रही है। कि ट्रांजेक्शन 54% ऑफ द ट्रांजेक्शन रिमेन अनपेड मई 2023, तो अब मई जून चल रहा है, जुलाई चल रहा है, जब से रुकी हुई है, तो कौन करेगा, कौन जो आप बोल रहे हो चीज़ों को, आप खुद ही उस चीज़ पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो इन सब आर्टिकल में इसने यही बोला है। मैं आपको मनरेगा के अंदर बताऊंगा, 100 दिन का काम के लिए बोलती है, हाउस होल्ड के लिए एम करती है, इनहेंस करना है सिक्योरिटी ऑफ द पीपल को। नेशनल जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आया था 2005 में, उसमें इंट्रोड्यूस की गई थी स्कीम ये, 2000 जिसमें नरेगा से नाम चेंज करके मनरेगा MG नरेगा बनाया गया था, महात्मा गांधी इसको बनाया गया था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बनाया गया था। तो एक्ट कवर करता है ऑल द डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट दोज हुआ कविक हैव 100% अर्बन पॉपुलेशन। तो सारी डिस्ट्रिक्ट को यह काउंट करता है, पर उन डिस्ट्रिक्ट को छोड़ देता है जो उसमें 100% अर्बन पॉपुलेशन है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसकी एसोसिएशन मिनिस्ट्री जो इसको वर्क करती है। इसमें क्या क्या की फीचर्स क्या हैं कि डिमांड ड्राइव स्कीम है, आपको जब जरूरत है जॉब की ले सकते हो, एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस आपको मिलते हैं अगर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विद इन 15 डेज में आपका अलाउंस, मतलब नौकरी नहीं दे रही है सर कुछ तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिए जाएंगे। थर्ड पार्टी द पार्टी पेमेंट जो होगा 15 डेज जो होगा वो थर्ड पार्टी पेमेंट होता है। इसमें वुमेन को अलग से 1/3 इसमें रिजर्वेशन है कि अगर 100 लोग किसी गांव में से रखने हैं, किसी जगह 100 लोग हैं, तो 1/3 वुमेन उसमें होनी चाहिए कम से कम। आपको मिनिमम जो वेज एक्ट है कि इतनी आपको मिलना ही चाहिए, वो उसके अंदर मिलता है। ग्राम सभा एंड कंडक्ट द सोशल ऑडिट टू एनेबल द कम्युनिटी मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंट द स्कीम, ग्राम सभा कंडक्ट करती है सोशल ऑडिट, बोथ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट शेयरिंग फंडिंग ऑफ द स्कीम, दोनों गवर्नमेंट इसमें करते हैं। तो की परफॉर्मेंस है इसके कुछ, इट जनरेट मोर देन 31 बिलियन पर्सन, मतलब कि डे ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एटलीस्ट 15 ईयर। द गवर्नमेंट हैड स्पेंडिंग 6.4 लाख करोड़ इन द लास्ट 15 साल से इतना पैसा खर्च कर चुकी है। सिंस 2006 से मोर देन 3 मिलियन वाटर कंजर्वेशन, मतलब जो वाटर पोन्स वोन्स बनाते हैं ना गांव में, छोटे छोटे डैम डेवलप करते हैं उसके लिए, इतना 30 मिलियन जो वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम्स है एसेट्स हैं उनको डेवलप मनरेगा के द्वारा किया गया। अब कुछ परफॉर्मेंस है इसके कि 11 करोड़ पीपल वर्किंग अंडर द मनरेगा 2020-21 में, क्योंकि पेंडेमिक था लोग गांव चले गए थे तो इसमें ज्वाइन कर लिया था लोगों ने। इन द फर्स्ट टाइम द सिंस द लॉन्चिंग द स्कीम 2006-07 से लॉन्च हुई थी है, द मनरेगा नंबर क्रॉस 11 करोड़ मार्क दिस ईयर, सबसे ज़्यादा इस बार नौकरी लोगों ने इसके अंदर लिया है, 11 करोड़ मार्क हायर, मतलब बढ़ गया है सब चीज़, वही है डाटा बढ़ गया है। 2020 में पेंडेमिक था यार, कोविड टाइम चला, नॉर्मल सी बात है लोगों के पास काम नहीं होगा तो इसमें ही लोग करेंगे। पर 2021 देखो लोगों का वो बढ़ा है, रेशियो बढ़ा है, पर क्या है गवर्नमेंट ने बजट घटा दिया है, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है। अब सिग्निफिकेंस क्या था कि रूरल डेवलपमेंट होता था, ट्रैकिंग कम कर सकते, वाटर स्ट्रेस को आप कटेल कर सकते थे, आपके डिस्ट्रेस जो माइग्रेशन है इधर उधर से लोग छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, काम यहीं मिलेगा आप नहीं जाएंगे, वुमेन एम्पावरमेंट है कोई वुमेन को काम दिया जा रहा है। फिर बैटलिंग अनसर्टेनिटी, मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाए, पेंडेमिक आ जाए, पेंडेमिक आ गया है एकदम से अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी सोसाइटी में, तो कम से कम बेसिक इनकम मिल पाए, तो इस वजह से लोगों को बेसिक इनकम मिली। फिर कम्युनिटी एसेट, जो आप छोटी छोटी चीज़ें ग्राम पंचायत भवन ये वो बना पाते हो तो मनरेगा की लेबर से आप बना सकते हो, ये सारी कुछ इसमें चीज़ें हैं। इशू क्या है कि वही डाटा प्रोटेक्शन, डाटा नहीं है, पुअर मेंटेनेंस है, इनएडुकेट फंड है, इनसफिशिएंट सपोर्ट है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने लास्ट में बात की हैं। अब हम बिल्कुल लास्ट में आ जाते हैं चाइना और इंडिया के ऊपर। देखो थोड़ा जिस्ट बता देता हूँ, जल्दी ख़त्म करता हूँ, गला भी सूखने लगा। ये बताते हैं बजट, ये बताते हैं GDP हम कितना यूज़ करते हैं, GDP का कितना परसेंट यूज़ करते हैं हम अपने डिफेंस सेक्टर के अंदर। चाइना जो स्पेंड करता है वो करता है $252 बिलियन
हम करते हैं 72 बिलियन डॉलर। दोनों के बजट के 2% है, ये उनके भी बजट के 2% है, उनका बजट बड़ा है तो उसका 2% कितना हुआ, 252 बिलियन डॉलर। हमारा कितना, 72.9 बिलियन डॉलर। तो हमारा तो बहुत कम है, ऑलरेडी कम है। उसके बाद चाइना का 5 times से बड़ा है, और चाइना ने अपना पैसा कम करना यूज़ किया है कि आर्मी को बिल्ड करने के लिए। वो जो उसने पैसा ज़्यादा करना यूज़ कर दिया, वो करना यूज़ कर दिया है अपना नेवी और एयरफोर्स के लिए। जो आर्मी होती है ना, लैंड वाली होती है, उसके लिए पैसा कम करके उसने नेवी पर। हमारा इंडिया का जो पैसा है 60% वो आर्मी के लिए जाता है, उसमें से भी 60% आर्मी में से 80% पर्सनल सैलरी के, जो लोगों की सैलरी और पेंशन है उसके लिए यूटिलाइज़ किया जाता है। एक तो आर्मी को सबसे ज़्यादा पैसा देते हो आप डिफेंस बजट का, जैसे आपका 72 बिलियन है, इसका 60% आप किस में दोगे, आर्मी के लिए दोगे। आर्मी से भी ज़्यादा उसमें, आर्मी के भी जो 80% जो पैसा आर्मी को दिया आपने, 60% उसका भी 80% कहाँ पे जाएगा, वो उनके सैलरी और पेंशन के लिए जाएगा। तो एक तरीके से आप देख सकते हो, फिर 40% पैसा आप नेवी और एयरफोर्स के दे रहे हो। और ये क्या बोलते हैं कि बहुत ज़रूरत है इस टाइम नेवी और एयरफोर्स को इम्प्रूव करने के लिए, इंडिया की अगर डिफेंस सेक्टर को बढ़ाना है तो हमें इसमें लास्ट में यही बोलेंगे, ऐसे ऐसे प्लान लाने चाहिए जो हम पैसा यूज़ कर पाएँ। देखो ये 61% इज़ गोल फॉर डिफेंस बजट, 81% उनकी मैन पावर को मेंटेनेंस करने के लिए जाता है। हमारे इतने लाख आदमी हैं, 12 से 14 लाख आदमी हमारी आर्मी के अंदर है। चाइना का बिगर रोल रहा है नेवी और एयरफोर्स को डेवलप करने के लिए, ठीक है ना। तो इतना पैसा वो यूटिलाइज़ नहीं करते अपनी चीज़ को, इक्विपमेंट उन्होंने अच्छे किए, रिप्लेस किया जो वेंटेज चीज़ें थी उनको अच्छा करना स्टार्ट कर दिया। फिर ये सब चीज़ों की बात की, तो हमारी आर्मी के लिए और नेवी के लिए आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए इन कंपेयर टू जो आपकी लैंड फोर्स होती है आर्मी के लिए। तो इतना ही थी फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब से कुछ ही देर में दूसरा पेपर आ जाएगा, उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूँगा।